नमस्कार दोस्तों, ये इवेंट एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है। इसने मेरी लाइफ बदली और ये लाखों लोगों की लाइफ को बदल रहा है। इस इवेंट में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। इस इवेंट को हम परिवर्तन कहते हैं। इसका सिंपल सा रीजन ये है, ये लोगों की लाइफ में एक खूबसूरत सा परिवर्तन लेके आते हैं। जो भी हमारे सपने होते हैं उन्हें पूरा करना सिखा देते हैं। मेरा नाम अनीता भंडारी है फ्रेंड्स। पिछले 23 साल से अपना सलून चला रही हूँ फ्रेंड्स। नीड्स पूरी हो रही थी, जरूरतें पूरी हो रही थी, लेकिन सपने बिल्कुल पूरे नहीं हो रहे थे, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे। फिर क्या था, बस दो ही सपने रह गए थे, क्योंकि समय के साथ साथ सारे सपने भूल गई थी। दो सपने रह गए थे, एक टाइम फ्रीडम और एक फ्यूचर सिक्योरिटी। क्योंकि टाइम फ्रीडम इसलिए कि जब भी कोई त्योहार है या कुछ कहीं शादी पार्टी में इन्विटेशन है, तो हमेशा पार्लर में टाइम बीता था, जाना जाता कैंसिल होता था। और फ्यूचर सिक्योरिटी इसलिए कि मैं चाहती थी कि जब मैं काम नहीं भी करूँ ना, तब भी मेरे अकाउंट में मेरे नाम का पैसा आता रहे तो कैसा रहे। तो ये मेरा सपना था फ्रेंड। जब कोई चाह होती है ना, तो जरूर अपॉर्चुनिटी हमारा दरवाजा खटखटाती है। तो मेरी लाइफ में भी ये अपॉर्चुनिटी आई मोदी केयर। मुझे शुरू में तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब सफल लोगों से मिलने लगे तो पता चला यहाँ से तो बहुत सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो फिर क्या था, और सबसे बड़ी बात थी कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कोई लॉस नहीं था, कोई बॉस नहीं था, घर बैठे हो रहा था और सफल लोग सिखाने के लिए तैयार थे। तो सोचा करके देख लेते हैं। जब करना शुरू किया पार्ट टाइम, तो 3 साल में यहाँ से 3 फॉरेन ट्रिप, एक कार ले चुकी हूँ, और अभी यहाँ से बहुत जल्दी इनकम भी बहुत अच्छी ले रही हूँ, और बहुत जल्दी यहाँ से अपना घर लेने वाली हूँ सपनों का, और अपनी BMW कार का सपना है जो कि मैं 2023 तक ले लूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी लाइफ में इतना बड़ा जो बदलाव आया ना इस इवेंट को देखकर, और आज जो लोग पहली बार इस इवेंट को देख रहे हैं उनकी लाइफ में भी आज एक बदलाव आने वाला है। आज की मीटिंग से उस इवेंट को आज करने के लिए, जो आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे सामने आ रहे हैं, वो है मोदी केयर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के यंग जीवड़ी निशांत भार्गव, जो कि एक प्रोफेशनल है और एक हाई पेइंग जॉब को छोड़कर जिन्होंने मोदी केयर करने को चुना। क्योंकि उनका ना विजन बिल्कुल क्लियर हो गया था, और उनकी एक बिग पिक्चर क्लियर, उनकी बिग पिक्चर इस बिजनेस की ना बिग पिक्चर उन्हें पता चल गई थी, और अब उनका पैशन है लोगों को सक्सेस दिलाना। तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ जोरदार तालियों के साथ, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर निशांत भार्गव सर का वेलकम सर। थैंक यू अनीता मैम, इतनी शानदार इवेंट की शुरुआत करने के लिए और मेरे को इंट्रोड्यूस करने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। जब आप जैसे एंटरप्रेन्योर बिजनेस वुमेन इवेंट की, परिवर्तन इवेंट की शुरुआत करें, तो जैसे पहले बॉल पे अगर कोई क्रिकेटर छक्का मार देना वैसी चीज हो जाती है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल स्टार्ट विद दैट लवली स्माइल एंड ग्रेट ग्रेट टेस्टिमोनियल। नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत भार्गव, थर्ड जनरेशन नेटवर्क मार्केटर एंड ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर एंड मोदी केयर, आप सबका इस परिवर्तन इवेंट में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये इवेंट जो है, ये बिजनेस का जो स्टोरी है वो मेरी बहुत जल्दी चालू हो गई थी। मैं 2 साल का था, कुछ लोग मेरे घर आए और मेरे घर वालों को इस बिजनेस के बारे में बताया। जो आज मैं आपके साथ करने वाला हूँ वो ही किसी ने उस दिन मेरे घर वालों के साथ करा था। उन्हें बताया कि एक नई तरीके का बिजनेस है, मार्केट में नया है, हिंदुस्तान में नया है। 24 साल पहले के बारे में बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में नया है, मगर देश विदेश में इसी बिजनेस को करके लोग अरबों खरबों रुपए कमा चुके हैं और अभी हिंदुस्तान में भी आ गया है। और अगर आप चाहो तो इस बिजनेस के साथ लग के आप भी अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। और मेरा एक ऐसा घर दोस्तों, जिसमें मेरे पापा, उन्होंने चार्टर अकाउंटेंसी कर रखी थी, सीए थे वो, मेरे दादाजी, उन्होंने LLB कर रखी थी और जिंदल्स में जनरल मैनेजर की पोस्ट पे थे, मेरी मदर PhD इन अकाउंट्स, मेरी दादी एक करियर हाउसवाइफ, और मेरे चाचू उस वक्त MBA करते हुए, उन सब ने ठाना कि हाँ, मोदी केयर से ही हमारे सपने पूरे होंगे। जिंदगी में रास्ते बहुत थे बिजनेस करने के, पैसे कमाने के, बट मोदी केयर कितना बड़ा कोई और बिजनेस नहीं हो सकता, ये उन्होंने ठान लिया था। और इसी के साथ इस बिजनेस में वो अपने आप को उन्होंने उतार दिया और बिजनेस को अपने अंदर उतार दिया, और उसी के साथ एक सफलता की कहानी उन्होंने चालू करी। इस बिजनेस के साथ लगे, सफलता पाई, बट अच्छी बात यह है कि सिर्फ उन्होंने सफलता नहीं पाई, हजारों लाखों लोगों ने सफलता पाई जो इस बिजनेस के साथ जुड़े, इसके बारे में जाना, समझा और फिर अपने सपने जो है पूरे करते गए। दूध वाली
को जब ये बिजनेस दिखा, वो भी इसकी राह पे चली तो आज की तारीख में BMW चला पाती है। जब एक 19 साल की दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ने इस बिजनेस के बारे में सुना और इस राह पे चली, सफलता की राह पे, तो आज वो अपनी जैगवार में घूम पाती है। जब बड़े बड़े पोस्ट रखने वाले प्रोफेशनल्स ने इसके बारे में सुना तो आज भी वो अपनी मर्सिडीज और BMW चला पा रहे हैं। हर एक तरीके के व्यक्ति ने जिस भी इस इंडस्ट्री में ध्यान दिया, उन्होंने अपना दिमाग जो है खोल के इसके बारे में सुना, जैसे अनीता मैम ने बोला, वो बिग पिक्चर देखी, वो उसके साथ सफलता पाते गया है। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दिखाने वाला हूँ कि आप भी इसको अपने अंदर उतार पाए, अपना वो जो बिजनेस माइंड है उसके साथ देखें, इसको समझ पाए और आगे बढ़ पाए। थोड़ा पर्सनली अपने बारे में बात करूं तो जैसे जैसे मेरे घर में मोदी केयर का बिजनेस बड़ा होते गया, मैं भी बड़ा होते गया, मेरे घर में पढ़ाई लिखाई को बहुत महत्वपूर्ण दिया जाता था, तो हमने सोचा चलो भाई हम भी पढ़ लिख के देखते हैं। तो BBA करी, MBA करी और फिर एक नेशनल पोजीशन की जॉब पे एक MNC में लग गया, जो हर एक यूथ का, मेरी उम्र के हर एक व्यक्ति का सपना होता है ना कि भैया पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छी सी जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, जिंदगी आपकी सेट हो जाए, वो करके देख लिया था। बट क्योंकि इस इंडस्ट्री के बारे में जानता था, उन दूध वाली को मर्सिडीज खरीदते हुए देखा था, उस स्टूडेंट को जैगवार लेते हुए देखा था, मैं समझ गया था कि इस बिजनेस से बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है, और जॉब में अपने लिए तो बहुत अच्छा कर लूंगा। आज भी जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो लोग सर बुलाते हैं, कल भी बुलाएंगे, आज भी फ्लाइट का टिकट कंपनी ही देती है, 5-स्टार होटल में ठहराती है, कल भी 5-स्टार होटल में ही ठहराएगी, बट किसी और को वो फॉरेन ट्रिप नहीं घुमाने ले जा पाऊंगा, किसी और की सपने की गाड़ी के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो उसी के साथ मैं फुल टाइम आज मोदी केयर में हूँ, और ये जो मोदी केयर ने मेरे परिवार को दिया है ना दोस्तों, जब ये बिजनेस चालू हुआ था, तब जब मेरी मदर ने इस बिजनेस को करना चालू करा था, फादर ने चालू करा था, तो वो बस में, ट्रेन में, ऑटो में जाके इस बिजनेस को करते थे, ग्राउंड अप से बिल्ड करना चालू करा था। और आज की तारीख में जब मैं ये बिजनेस करता हूँ तो एक 70 लाख रुपए की वॉल्वो में वही कार्य जो है वो घूम के कर पाता हूँ, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम भले ही बस में, ट्रेन में, ऑटो में जाए, नेक्स्ट जनरेशन जो है, अगली पीढ़ी जो है, वो और भी बढ़िया तरीके से जाएगी, सेम बिजनेस करेगी बट अलग तरीके से कर पाएगी। आज 6 बेडरूम के घर में रहता हूँ, नीचे एक मर्सिडीज खड़ी है, एक वॉल्वो खड़ी है, रोलेक्स की घड़ी पहनता हूँ, और दुनिया की जो सारे ऐशो आराम है वो है। और इस बिजनेस ने मेरे को ये दिलाया, मेरे परिवार को दिलाया, हजारों लाखों लोगों को दिला चुका है, और ये प्रेजेंटेशन जब आप देखें तो आप जानेंगे कि आपको भी दिला सकता है। तो चलिए आइए चालू करते हैं और बात करते हैं इस बिजनेस की कि क्या है और कैसे एक व्यक्ति इसके साथ अपनी जिंदगी बदल सकता है। जैसे पहले बताया, इस प्रेजेंटेशन का नाम, इस इवेंट का नाम है परिवर्तन। परिवर्तन के लिए ही तो हम सब यहाँ हैं दोस्तों। हम देखिए अलग शहरों से हैं, अलग देश, अलग शहरों से हैं, अलग खाना पीना खाते हैं, अलग कपड़े पहनते हैं, हमारा रहने रहने का ढंग जो है वो अलग है, बट एक चीज हम सब में यहाँ कॉमन है, जो भी जूम मीटिंग में, जो भी फेसबुक पे देख रहा है, कि बदलाव चाहते हैं हम, एक पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, कल जो है वो आज से बेहतर करना चाहते हैं। और हमारी कंपनी के जो फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर समीर मोदी जी, वो कहते हैं अगर चेंज चाहते हो जिंदगी में, कोई सकारात्मक परिवर्तन चाहते हो, बदलाव चाहते हो, तो सबसे पहले सोच बदलनी पड़ेगी। देखिए बिजनेस मार्केट में नहीं दिखता, स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, अभी तक नया होता है हमारे लिए। तो अपने जो बिजनेसमैन, जो एंटरप्रेन्योर की जो नजर है ना अपने अंदर, उसको खोल के इसके बारे में देखना दोस्तों, क्योंकि सोच बदल पाते हो तो खुद को बदल पाते हो। खुद को जब हम बदल लेते हैं ना, कार्य बदल जाते हैं, जिस तरीके से हम काम करते हैं, जिस उत्साह से हम उठते हैं, जिस शांति से हम सोते हैं, वो सब बदल जाता है। अगर हम खुद को बदल पाते हैं और खुद को बदलने का दम रख लेते हैं ना, तो दुनिया बदल पाते हैं दोस्तों। दुनिया बदलनी है, अपने सपने तो पूरे कर ही पाते हैं, दूसरों के भी सपने पूरे कर पाते हैं। सपनों के बारे में बात करिए तो आइए चलिए बात करते हैं एक व्यक्ति के, आपके और मेरे नॉर्मल सपने जो है, जो हर किसी के हैं, वो क्या है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं। कोई भी यहाँ पर नहीं है जिसको मजा आता है पैसे की चिंता करने में, कि आज घर का किराया, गाड़ी की EMI, खाने पीने का खर्चा, कहीं घूमने जाने का मन करे तो खर्चे के बारे में ना सोचना पड़े, रेस्टोरेंट में जाओ तो डिश क्या है उसको देखने के बजाय वो है कितने की ये देखना ना पड़े। हर कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता है, वर्क लाइफ बैलेंस चाहता है, कोई नहीं घर में 14 घंटे काम करना चाहता, हम थोड़ी सी एंजॉयमेंट थोड़ा सा ऐश करना चाहते हैं, फैंसी कार चाहते हैं। हिंदुस्तान में आज की तारीख में BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जैगवार, वॉल्वो, सारी की सारी कंपनी की गाड़ियां हैं दोस्तों। कोई भी शायद से ऐसी कंपनी नहीं होगी जो हिंदुस्तान में नहीं है, मगर क्या उनको सड़कों पे देखना काफी है? हम चाहते हैं कि हमारे घर के गैराज में हो। घर के गैराज के बारे में बात करिए तो बड़ा घर चाहते हैं, हिंदुस्तान में है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अच्छा आलिशान घर चाहते हैं, कंफर्टेबल हाउस चाहते हैं हमारे परिवार के लिए, वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं। पूरी दुनिया जो है आज की तारीख में आप फोन से घूम सकते हो,
है ना, राइट, फोन पे देख सकते हो कि पेरिस कैसा दिखता है, न्यूयॉर्क कैसा दिखता है, स्विट्जरलैंड कैसा दिखता है, फोटो वीडियो सब मिल जाएंगी। बट क्या फोटो वीडियो देखना काफी है? बिल्कुल नहीं, हम आप घूमना चाहते हैं, उधर की हवा जो है वो अपने शक्ल पे महसूस करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम विद फैमिली चाहते हैं, बेटर एजुकेशन फॉर नेक्स्ट जनरेशन चाहते हैं, हम अच्छी पढ़ाई लिखाई देना चाहते हैं हमारी नेक्स्ट जनरेशन को, चैरिटी करना चाहते हैं। कोरोना में मैंने देखा दोस्तों, कोई कितना भी कर पाते, भले वो पैसे से हो, वक्त से हो, मेहनत से हो, वो चैरिटी जरूर करना चाहता है, दूसरों की मदद एक व्यक्ति जरूर करना चाहता है। एंड सबसे बड़ी बात दोस्तों, हम रिकॉग्निशन चाहते हैं। ज्यादातर लोगों की जिंदगी बीत जाती है कि वो जो कार्य करते हैं लोग उनको उसको उनकी ड्यूटी समझते हैं, कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है, तो कार्य तो आप करोगे ही। अगर आप घर पे हो, मदर हो, तो आपको तो वो जो भी आप डेली के कार्य करते हो वो तो आप करोगे ही, फादर हो तो जो कार्य करते हो करोगे ही। हम रिकग्निशन चाहते हैं, हम चाहते हैं जो हम काम करते हैं उसके लिए कोई हमारे को शाबाशी दे, कोई पीठ थपथपाए, कोई बोले कि तुम्हारे ये करने से हमारे को फर्क पड़ता है। हम सब के सब रिकग्निशन चाहते हैं, ये सब हमारे बीच में कॉमन है, हम सब ये सपने देखते हैं दोस्तों। मगर ये एक चीज जो है वो हमारे बीच में कॉमन है, एक और चीज है जो हमारे बीच में कॉमन है, वो कॉस्ट ऑफ लिविंग। 1960 में 100 रुपए में घर चल जाता था, है ना, चलाने के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, घूमने फिरने अच्छी गाड़ी के बारे में नहीं बात कर रहा। 100 रुपए में घर चल जाता था, मैं तो था नहीं, पर शायद से दादी से पूछूंगा तो वो बता देंगे कि हाँ चल जाता था। 1980 में 1000 रुपए में घर चल जाता था, 2000 में 10,000 में चलने लगे। अब ये मेरे को याद है, 6-7 साल का था मैं, ये मेरे को याद है कि 10,000 रुपए में एक व्यक्ति अपना घर चला सकता था। और आज की तारीख में दोस्तों 2020 है, और अगर आप किसी मेट्रो शहर में रहते हो, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कलकत्ता, किसी ऐसे शहर में रहते हो, आपकी शादी हो चुकी है, बच्चा स्कूल जाता है, और 1,00,000 रुपए महीना कमाते हो ना, तो अनफॉर्चुनेटली मिडिल क्लास में खिलाए जाते हो। लखपति भी अब मिडिल क्लास हो गया, ये आज की महंगाई की सच्चाई है दोस्तों। और अगर इसी पे मैं चलता गया ना कि हर 20 साल में खर्चा जो है वो 10 गुना हो रहा है, तो 2040 आते आते 10,00,000 रुपए महीने की जरूरत पड़ने वाली है, जरूरत पड़ने वाली है एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए। सपने पूरे नहीं होंगे, सिर्फ जिंदगी अच्छे से कटेगी। तो क्या आपने वो 10,00,000 रुपए महीने का इंतजाम कर रखा है? कर रखा है, वेल एंड गुड, ये अपॉर्चुनिटी सुनना। अपना तरीका शायद से किसी और को ना बताओ कि कॉपी हो जाएगा, ये तरीका किसी और को जरूर बताओगे। और नहीं कर रखा है ना दोस्तों, तो ध्यान से सुनना, और भी ज्यादा ध्यान से, क्योंकि वो 20 साल आगे रुकने की जरूरत नहीं है, 2040 का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो 10,00,000 रुपए महीना कमाने वाले सैकड़ों लोग मोदी केयर से आज कमा रहे हैं, और आप भी कमा सकते हो। अब क्या तरीके होते हैं कि एक व्यक्ति अपनी जरूरतें, अपने सपने पूरे करता है, वो कौन से वो रास्ते होते हैं कि एक व्यक्ति लेता है उनकी तरफ जिंदगी में? सबसे पहले बात करते हैं एक सबसे ज्यादा चलने वाली सड़क पे, लोग सबसे ज्यादा इसी सड़क पे चलते हैं, और इसको बोलते हैं हम डिपेंडेंसी प्लान। ये 40 साल का एक्टिव इनकम का प्लान होता है दोस्तों। व्यक्ति 19-20-21 साल की उम्र तक पढ़ाई लिखाई करता है और फिर काम करना चालू कर देता है, 40 साल तक काम करता है, और वन फाइन डे फिर वो रिटायर हो जाता है। और फिर जब हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारी उम्र वैसी हो जाती है, जब सबसे ज्यादा हमारे को सेल्फ रिस्पेक्ट की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा इज्जत की जरूरत होती है, वही अपनी नेक्स्ट जनरेशन पे सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाना पड़ता है। इस तरीके की इनकम में फ्रेंड सबसे बड़ी बात ये होती है कि जितना आप काम करते हो ना उतना ही आप कमाते हो। अगर और कमाना है तो और काम करना पड़ेगा, और कमाओगे तभी और काम करोगे तभी और कमाओगे। प्रोपोर्शनल चलता है हार्ड वर्क और रिवॉर्ड, या तो काम ज्यादा घंटे करो, या जो काम कर रहे हो वो ज्यादा जरूरी हो, तभी इनकम कमा पाते हो। सिर्फ जॉब जाने वाले लोगों के साथ नहीं होता है। आप बिजनेसमैन हो, आपकी दुकान है, आप कितने साल तक बताइए सुबह के 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक अपनी दुकान पे बैठ सकते हो? आप आखिरकार आपको अगली पीढ़ी को वो सौंपना पड़ेगा, और वो फिर बिजनेस चलाएंगे, और आपको उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाना पड़ेगा। एक डॉक्टर है, सीए है, डॉक्टर अगर दिन के 10 पेशेंट देखता है तो एक कमाई होती है, 15 पेशेंट देखेगा तभी ज्यादा कमाई होती है। सीए है, 10 बुक फाइल करता है तो एक कमाई होती है, अगर और कमाना है तो और बुक फाइल करनी पड़ेगी। ये सारी की सारी एक्टिव इनकम के प्लान होते हैं, जितना काम करोगे उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा। बट हम बहुत किस्मत वाले, बहुत लकी है कि सिर्फ ये तरीका नहीं होता अपने सपने पूरे करने के लिए, जरूरतें पूरे करने के लिए, एक और तरीका होता है, और उसको हम बुलाते हैं आजादी प्लान। ये 2-5 ईयर का पैसिव इनकम का प्लान होता है, और इसमें कुछ अलग होता है, कम लोग इस्तेमाल करते हैं इस रास्ते को, बट उसमें कुछ अलग होता है। इसमें जब व्यक्ति शुरुआत करता है ना, तो उनको लगता है कि यार मेहनत बहुत है बट रिटर्न इतना नहीं आ रहा है, और जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है वो एफर्ट का कांटा जो है वो कम होते रहता है, और इनकम जो है वो स्काई रॉकेट करने लग जाती है। अब आप सोचेंगे ऐसा कौन सा काम है जिसमें शुरुआत में करो तो पैसा
कम आता है, मेहनत ज्यादा है, बट जैसे वक्त बीतता जाता है मेहनत कम लगने लग जाती है, पैसा जो है वो बहुत बढ़ने लग जाता है दोस्तों। तो ऐसी तरीके की इनकम लेखक कमाते हैं। जब एक लेखक किताब लिख रहा होता है तो उनको पैसे दे रहा होता है? बिल्कुल भी नहीं दे रहा होता। और जब वो किताब छप जाती है, लोगों को पसंद आती है, उसकी हजारों लाखों कॉपियां बिकती हैं, तो वो और उनकी आने वाली पीढ़ियां सारे के सारे उसके ऊपर पैसे कमाते हैं। काम करना, मेहनत एकदम कम हो जाती है, पैसा जो है वो स्काई रॉकेट करने लग जाता है। उनके लिए ही नहीं, उनकी आने वाली जनरेशन के लिए। वो काम करना बंद कर देना तो भी ऐसे कमाने लग तो भी कमाएंगे। जो लोग हिट गाने रिलीज कर देते हैं, गाने रिलीज कर देते हैं, आज पार्टियों में शादियों में जब हम जाते हैं ना कि गाने बज रहे हैं, तो उसके लिए उनको पैसे जो है वो जा रहे होते हैं, लाइसेंस खरीद के उनके गाने बजाने होते हैं। वो उनके पास तो जाते ही जाते हैं, उनकी अगली पीढ़ी के पास भी जाते हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, पैसा लगा दिया उससे कमा रहे, वो लोग दोस्तों कमा पाते हैं। बट क्या हम हर कोई किताब लिख सकता है, बेस्ट सेलिंग किताब लिख सकता है, गाना गा सकता है? मैं गाना गाना चालू करूंगा, आप सभी मीटिंग छोड़ के भाग जाओगे, आपका पता नहीं। हम हर कोई ऐसे नहीं कर सकते। तो क्या ये पैसिव इनकम जो है वो हमारे लिए नहीं है? बिल्कुल है फ्रेंड्स, क्योंकि एक डायरेक्ट सेलर जो है वो भी पैसिव इनकम कमाता है। जब एक डायरेक्ट सेलर इस इंडस्ट्री से मिलता है, जैसे आज आप पहली बार मेरे को सुन रहे हैं, आपके लिए नई चीज है, सुना नहीं, समझा नहीं, स्कूल में पढ़ाया नहीं, तो एक लर्निंग कर्व होता है। और जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, मेच्योर होते हैं इस इंडस्ट्री में, वैसे वैसे हमारा एफर्ट जो है वो कम हो जाता है और इनकम जो है स्काई रॉकेट करने लग जाती है। और सिर्फ हमारे लिए नहीं होती है, 2 से 5 साल के पीरियड में हम ऐसी इनकम बना सकते हैं जो आने वाली पीढ़ियां जो है एंजॉय करें। पेरेंट्स चले जाते हैं, बच्चों के पास इनकम रह जाती है, स्पाउस चले जाते हैं, वाइफ्स के पास इनकम रह जाती है। इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी है दोस्तों ये। बट आप मुझसे पूछोगे, निशान जी एक कवि कैसे, एक लेखक कैसे कमाता है वो तो हम समझते हैं, एक गायक कैसे कमाता है वो भी हम समझते हैं, एक डायरेक्ट सेलर कैसे कमाता है जरा ये तो बताइए। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं कंपेयर करना चाहूंगा ट्रेडिशनल वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को। पड़ोस की दुकान से आप सामान खरीदते आ रहे हो बचपन से, क्या वो दुकानदार उस प्रोडक्ट को बनाता है या सीधा बनाने वाले से खरीदता है? बिल्कुल भी नहीं, वो होता है एक रिटेलर। रिटेलर खरीदता है होलसेलर से, होलसेलर खरीदता है डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर खरीदती है शायद से कंपनी से, और आपको बताने के लिए क्या कि पड़ोस की दुकान में ये प्रोडक्ट है, मैगी है, 2 मिनट में बन जाएगी, जाके ले लो। उसके लिए कंपनियां अरबों खरबों रुपए खर्च करती हैं टीवी पे एड देने के लिए। सोनी को टीवी को एड वो पैसे देती है, स्टार टीवी को वो पैसे देती है, अमिताभ बच्चन जी को पैसे देती है, कटरीना कैफ जी को पैसे देती है, आप तक सिर्फ ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि ऐसे एक नाम का प्रोडक्ट है, आप जाके खरीद लो। और जब आप दुकान पे जाके वो प्रोडक्ट खरीदते हो, इन सबका जो पैसा है वो आप चुका रहे होते हो, उन सबकी जेब में आपकी जेब से निकला हुआ पैसा जा रहा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में बस ये हटा दिया जाता है, प्रोडक्ट जो है वो सीधा आपको पहुंचाया जाता है। आप यहाँ पर शॉपर हो, बायर हो, आपको पहुंचाया जाता है सीधा कंपनी से, और जो बीच के जो सारा पैसा बचता है ना उसका फायदा आपको होता है, और जो व्यक्ति आपको बता रहा होता है उस प्रोडक्ट के बारे में उसको फायदा होता है दोस्तों। और ये सारा पैसा ऐसे बढ़ता है और ऐसी होती है डायरेक्ट सेलिंग में इनकम। और क्या फायदा है डायरेक्ट सेलिंग के? जीरो इन्वेस्टमेंट है, बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस चालू कर सकते हैं आप। अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, नेम, अपनी केवाईसी कराइए, फ्री में अपना एमसी नंबर जनरेट करिए और अपना बिजनेस चालू करिए। नो रिस्क है, पैसा कोई मांगा नहीं। हिंदुस्तान में हम 10,000 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट करते ना, हमारे को लगता है हम 10 करोड़ रुपए गवा देंगे। क्यों? क्योंकि वो 10,000 रुपए खोने का हमारे को दुख नहीं होता, वो जो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे, उससे हम बड़ा डरते हैं। हम रिस्क लेने से इसलिए डरते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे। यहाँ पर जब हमने पैसा डाला ही नहीं है तो वो रिस्क हट ही जाता है। अनलिमिटेड इनकम है, क्योंकि पैसा लगा के कमाने वाला बिजनेस नहीं है। आपने पैसा लगा के एक दुकान खरीद ली, उसको किराए पे तो चढ़ा दिया, बट वो उतना ही पैसा आपको कमा के दे सकती है ना, उस दुकान का जो किराया है उससे ज्यादा तो वो कमा के नहीं दे सकती। यहाँ पर क्योंकि पैसा लगाए नहीं कमाने के लिए, अनलिमिटेड इनकम है। फैमिली बिजनेस है दोस्तों, घर वाले साथ में मिलके करते हैं। मैं 26 साल का हूँ, मैं करता हूँ, मेरी मदर 50 प्लस है वो करती है, मेरी दादी 75 प्लस है, हम सब इस मोदी केयर के बिजनेस को जी पाते हैं, कर पाते हैं, इंजॉय कर पाते हैं। ट्रांसफरेबल बिजनेस है, आपके बाद आपकी अगली पीढ़ी को ये बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है, वो इसको ग्रो कर सकती है, या पैसिव इनकम जो आपने अपनी जीवन में क्रिएट करी है उसको एंजॉय कर सकती है। नो प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। आज की तारीख में स्टार्टिंग बेसिक 15,000 रुपए की नौकरी के लिए भी जाते हैं ना तो बोलते 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ऐसी हालत हो गई है आज की तारीख में। इधर फायदा फर्क नहीं पड़ता, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, 5 साल से काम कर रहे हो, 10 साल से काम कर रहे हो, 25 साल का एक्सपीरियंस है, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस का, आप बिजनेस को कर सकते हो। नो डाउट जो हम पहले सीखते हैं जिंदगी में, जो हमने कार्य करे होते हैं, उसकी स्किल जो है हमारे अंदर वो हमारे काम आती है,
कोई लिमिटेशन नहीं है किसी एक्सपीरियंस की। पैसिव इनकम क्रिएट करने का मौका देता है दोस्तों। पैसिव इनकम अगर मैं समझाऊं खुद के एग्जाम्पल से, तो मेरे पेरेंट्स ने इस बिजनेस को 7-8 साल करा, उसके बाद मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई, पैरालाइज हो गए वो। मेरी मदर ने जो है उनका उनकी देखभाल करने में उनका सारा वक्त बीतने लग गया। मैं 10 साल का था, मैं छोटा था, मगर फिर भी मोदी केयर हमारे को हर महीने 4 से 5 लाख रुपए का चेक जो है वो भेज दिया करती थी, बिना किसी के काम करे, क्योंकि उन्होंने वो पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट कर लिया था। ये है पावर इस बिजनेस की, पैसिव इनकम। आपके साथ भी आपके बाद भी लोग कहते तो बहुत है, बट असलियत में ये बिजनेस वो करके दिखाता है। और सबसे बड़ी बात, पार्ट टाइम बिजनेस है। कोई नहीं कहता जॉब है तो बॉस को टाटा बाय बाय बोल दो, हाउस वाइफ हो तो घर का ध्यान रखना बंद कर दो, स्टूडेंट हो तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, बिजनेसमैन हो तो दुकान पे शटर डाल दो। कोई ऐसा नहीं कहता दोस्तों। जितना बड़ा आपके सपने और जितना आपके पास वक्त है, उतना आप इस बिजनेस को दे सकते हैं। और दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां तो बहुत है, बट मैं बहुत प्राउडली कहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान की सबसे पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मोदी केयर का पार्ट हूँ। 1996 में मोदी केयर लॉन्च हुआ है, करा गया समीर मोदी जी के द्वारा, और उनका एक ही सपना था कि मोदी कैरियंस को आजादी दिलाई जाए, फाइनेंशियल आजादी दिलाने के सपने के साथ उन्होंने इस बिजनेस को लॉन्च करा। थोड़ी सी इनकी हेरिटेज के बारे में बात करते हैं, तो राय बहादुर गुजरल मोदी ने इस मोदी परिवार का जो होता है ना, एक वो फाइनेंशियल स्टोरी जो है, बिजनेस स्टोरी जो है वो इन्होंने चालू, बिजनेस हिस्ट्री जो है वो इन्होंने चालू करी। 1933 में घर से 400 रुपए लेकर निकले थे दोस्तों। बेगमाबाद में उन्होंने शुगर मिल लगाई, 33 से 72 तक 27 अलग अलग इंडस्ट्रीज उन्हें सेट करी, और 68 में, 1968 में उनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया था फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडियन इकोनॉमिक्स। के मोदी जी उनके बेटे, वो खुद एक बहुत बड़े विजनरी थे, ऑन्ट्रप्रीन्योर थे, वो 90 देशों तक इस महान बिजनेस को लेकर गए, इनके अलग अलग बिजनेस को लेकर गए, और 30,000 से ज्यादा एम्प्लॉय आज की तारीख में के मोदी ग्रुप में काम करते हैं। उनके बेटे समीर मोदी जी, जिन्होंने इस बिजनेस को लॉन्च करा था 1996 में, आज की तारीख में 2021 में दोस्तों 25 साल हो गए, और मिलियंस ऑफ कंसल्टेंट्स, 50 लाख कंसल्टेंट्स हमने क्रॉस कर लिए हैं। फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईडीएसए, आईडीएसए एक नॉन गवर्निंग बॉडी है जो देखता है कि कंपनी जो है वो आपके और मेरे हित में तो डिसीजन लेती है ना, प्रोडक्ट अच्छे तो बनाती है ना, तो फाउंडिंग मेंबर है उसके। रिवॉर्डिंग अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करूंगा। विनर ऑफ वेरियस प्रेस्टीजियस अवार्ड्स है, बहुत सारे अच्छे अच्छे अवार्ड से इनको नवाजा गया है। एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है, मार्केट में जो प्रोडक्ट मिलते हैं उससे जो बेटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस चालू करते हैं, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको जीएमपी सर्टिफिकेशन मिलता है। जो कि हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, बात करिए तो आपके सामने है मोदी केयर की प्रोडक्ट रेंज, न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलनेस, कलर कॉस्मेटिक, स्किन केयर, फूड एंड बेवरेज, एग्रीकल्चर, होम केयर, लॉन्ड्री केयर, पर्सनल केयर, ऑटो केयर, ज्वेलरी, टेक्नोलॉजी, एसएम वॉचेस। सांस फूल जाए, सारे प्रोडक्ट्स की सिर्फ कैटेगरी बताते हुए। और दोस्तों, ये जो सामने सिर्फ 12 कैटेगरी दिख रही है आपको, इसमें 700 से ज्यादा प्रोडक्ट एसकेयूज हैं, 400 के करीब प्रोडक्ट वैरायटीज हैं और 700 प्रोडक्ट एसकेयूज हैं। इस लॉकडाउन में जहां कंपनियां बंद हो रही है, 75 से ज्यादा नए प्रोडक्ट मोदी केयर लॉन्च कर चुकी है आपके लिए और मेरे लिए। 8 प्रोडक्ट से चालू हुई थी 1996 में और आज की तारीख में 700 हैं आपके और मेरे बिजनेस बिल्ड करने के लिए। प्रोडक्ट्स जो है हमारे, वो हमारे बिजनेस की बैकबोन होती है दोस्तों, और ये हमारे पास बेस्ट ऑफ दी बेस्ट रेंज है प्रोडक्ट्स की। अगर मैं प्लान के बारे में बात करूं तो हर नेटवर्क कंपनी एक प्लान के ऊपर काम करती है, एक मार्केटिंग प्लान के ऊपर। मार्केटिंग प्लान बताता है कि आपको और मुझे मेरी मेहनत का रिटर्न कैसे मिलेगा, और मैं बहुत प्राउडली कहता हूं कि मोदी केयर में मेहनत का रिटर्न सबसे ज्यादा मिलता है दोस्तों। 62% का पे आउट है, यानी कि मोदी केयर जितना भी महीने का बिजनेस करती है बिजनेस वॉल्यूम के टर्म में, उसका 62% वो आपके और मेरे बीच में बांट देती है। उन्होंने फैक्ट्रियां लगा रखी है, उन्होंने वेयरहाउस कर रखे हैं, उन्होंने अरबों खरबों का स्टॉक रख रखा है, उन्होंने ऑनलाइन सर्विस कर रखी है, उन्होंने अरबों का इन्वेस्टमेंट करके आपको और मेरे को मौका दिया है इस बिजनेस को बिल्ड करने का, और 62% तो हमारे को ही दे देते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अक्यूमुलेटिव प्लान है आपका, बिजनेस इसमें कभी जीरो नहीं होता। हर महीने दर महीने जो भी आप बिजनेस करते हैं, परचेज करते हैं, जो आपके जानने वाले परचेज करते हैं, वो आपकी जुड़ती रहती है और महीने जुड़ती रहती है, और उसका अकाउंट जो है मुझे केयर अपने पास रखता है। टाइटल्स फॉर लाइफ टाइम, एक बार जो भी टाइटल अचीव कर लेता है वो जिंदगी भर रहता है, नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। पहले ही बताया था, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है। कोई भी मुझे केयर का प्रोडक्ट खरीदो दोस्तों, नहीं पसंद आए 25% तक इस्तेमाल कर महीने भर के अंदर रिटर्न कर दो, पैसे वापस ले जाओ, ये गारंटी देते हैं मुझे केयर के प्रोडक्ट्स और मार्केट में, और कोई भी नहीं देता ये। और सबसे बड़ी बात, ट्रेनिंग सिस्टम बना रखा है मोदी केयर ने आपको और मेरे को बिजनेस करने के काबिल बनाने के लिए, हमारे को सिखाने के लिए। चाचा भी भतीजे को अपना धंधा नहीं सिखाता, उनको लगता है कंपटीशन बन जाएगा, बट ये जो मोदी केयर है ना, वो हमारे को काबिल बनाने की वजह से इतना बड़ा है, और काबिल
हम बनेंगे तभी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, और ट्रेनिंग सिस्टम इन्होंने उसके लिए दे रखा है। इनकम के बारे में बात करते हैं कि किन किन तरीके की इनकम जो है मोदी केयर से हम ले पाते हैं। मोदी केयर ने तीन भागों में एक व्यक्ति कैसे पैसे बचा सकता है और कमा सकता है उसमें बांट रखा है। सबसे पहले तो सेविंग एंड रिटेल प्रॉफिट। अगर आप मोदी केयर के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो या किसी और को बता रहे हो तो आप कैसे इससे बचा सकते हो या कमा सकते हो। फिर होती है बेसिक अर्निंग्स। जिंदगी में हम बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, डेली का खर्चा निकालना चाहते हैं, कपड़े खरीदते हैं, घर को साफ सुथरा रखते हैं, ये सब करने के लिए एक नॉर्मल लाइफ एक्सपेंसेस के लिए अर्निंग्स दे रखी है उन्होंने। और फिर उन्होंने जिंदगी के मजे जो हम लेना चाहते हैं, जो हम घूमना फिरना चाहते हैं, जो हम गाड़ियां चलाना चाहते हैं, उसके लिए लाइफ स्टाइल बोनसेस मोदी केयर ने हमारे को दे रखे। तो आइए समझते हैं क्या है। सबसे पहले तो सेविंग ऑन कंजम्पशन एंड रिटेल प्रॉफिट। दोस्तों एक बात बताओ, आप दुकान से सामान खरीदते हो, आप जाते हो, आप प्रोडक्ट उठाते हो, दुकानदार को देते हो, वो एमआरपी पढ़ के बताता है और आप उसको वो पैसे देते हो और घर वापस आ जाते हो। मोदी केयर को जब ज्वाइन कर लेते हो फ्री में ज्वाइनिंग होती है, और जैसे ही ज्वाइन करते हो 20% तक का आपको डिस्काउंट मिलने लग जाता है अपने जो प्रोडक्ट्स आप खरीद रहे होते हैं। एमआरपी पे नहीं मिलता, डीपी पे मिलने लग जाता है, और ये लगभग लगभग 20% जो है कम होता है, और हर प्रोडक्ट पे अप टू 20% मिलता है। है ना अमेजिंग। खुद इस्तेमाल करें तो बचत होगी, प्रोडक्ट्स किसी और को बताए, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स है, डेली यूज के प्रोडक्ट्स है, किसी और को बताए तो भैया हमारा रिटेल प्रॉफिट हो गया। बट सेविंग सिर्फ यहाँ ही 20% पे नहीं खत्म होती, एक और बहुत इंक्रेडिबल चीज होती है मोदी केयर में जिसको बोलते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम। एक बात बताओ, कभी हुआ ऐसे दुकान पे गए, सामान अपनी थैले में या बास्केट में डाला, बिलिंग वाले व्यक्ति के पास रखा और बोलते अरे सर, अरे मैम, आप तो पिछले 6 महीने से हमारी दुकान से सामान खरीदते आ रहे हो, इस महीने के प्रोडक्ट आपके लिए पूरे मुफ्त मुफ्त मुफ्त। सुनने में मजाक लगता है ना भैया, ऐसा थोड़ी ना होता है। मोदी केयर में बिल्कुल होता है दोस्तों। अगर आप लॉयल कस्टमर हो तो सिर्फ कंपनी को आपकी लॉयल्टी का फायदा नहीं होता है, आपको भी अपनी लॉयल्टी का फायदा होता है। अगर आप हर महीने 2500 रुपए से ज्यादा की परचेज करते हो 6 महीने के लिए लगातार, तो 7वें महीने आपको अप टू 5000 रुपीज प्रोडक्ट फ्री मिल जाते हैं अपने पिछले महीने की 6 महीने के एवरेज परचेज के। यानी कि अगर 5000 रुपए के प्रोडक्ट मैंने खरीदे हर महीने 6 महीने लगातार, तो 7वें महीने में मेरे को 5000 रुपए के प्रोडक्ट बिल्कुल मुफ्त मिल जाएंगे। और ये सिर्फ 6 महीने पे ऐसे नहीं होता कि एक बार 6 महीने पे मिल गया तो खत्म हो गया, फिर से 6 महीने करो फिर से मिल जाएगा, और क्योंकि 12 महीने करा है तो फिर से एक और बार मिल जाएगा। यानी कि 60000 रुपए खर्च करें साल में प्रोडक्ट्स में, 15000 रुपए का जो है प्रोडक्ट हमारे को फ्री मिल गया। अगर आप सेविंग या रिटेल प्रॉफिट के लिए देख रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और आज की तारीख में तो 1500 रुपए से भी आप अपनी लॉयल्टी कर सकते हैं, उसकी 80% की जो वैल्यू है वो ली जाती है एवरेज निकालते वक्त। है ना अमेजिंग। और ये सब मिला के मोदी केयर और मार्केट के बीच में क्या अंतर आता है दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ। मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हो 6000 रुपए में डिस्काउंट मिलता नहीं, मोदी केयर में 5000 रुपए मिल जाते हैं, 6 महीने में 6000 रुपए बचा लेते हैं। रीपर्चेज प्रोग्राम होता है मोदी केयर में, मार्केट में होता नहीं। मोदी केयर में ऐसा होता है, मोदी केयर महीने की शुरुआत में बताती है 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदोगे तो लगभग 100-120 रुपए का प्रोडक्ट फ्री, 2000 का खरीदोगे 200-220 रुपए का प्रोडक्ट फ्री। अगर आप 3000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हो तो करीबन 300 रुपए का प्रोडक्ट फ्री, और 5000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हो तो करीबन 500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री। और दोस्तों यानी कि अगर हम 6 महीने में वो 500 रुपए का बेनिफिट हम ले तो 6 महीने में 3000 रुपए का फायदा हो जाता है। लॉयल्टी ऑफर मार्केट में होता नहीं है, मोदी केयर में हर 6 महीने में मिल जाता है, तो 5000 रुपए का ये फायदा हो गया। कैशबैक मोदी केयर में बाहर होता नहीं है, मोदी केयर में 7-16% का क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस होता है, 7-16% होता है। मैंने एवरेज यहाँ पर 5% ले रखा है, अगर 5% भी मिले तो 6 महीने में 1500 रुपए की बचत हो जाती है। मार्केट में 36000 रुपए खर्च हो रहे थे, मोदी केयर में 30000 रुपए खर्च हुए और 15500 रुपए का फायदा हो गया। है ना अमेजिंग। यानी कि मोदी केयर के प्रोडक्ट की जो एमआरपी होती है उसका 40-45% तो डिस्काउंट एक व्यक्ति को मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ वो फ्री ज्वाइनिंग लगा के और मोदी केयर के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, पड़ोस की किराने की दुकान से कभी सामान खरीद के गाड़ी कोई सी नहीं खरीदी, हो सकता है उन्होंने खरीद लियो, कोई और ने नहीं खरीदी। मोदी केयर हर रोज 5 गाड़ियां देते हैं अपने कंसल्टेंट्स को। फॉरेन ट्रिप कोई पड़ोस की दुकान वाला आपको नहीं लेकर जाएगा, बट दोस्तों मोदी केयर हर साल 5000 से 7000 लोगों को डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रिप्स पे लेके जाता है। और सक्सेस जो है वो पड़ोस के दुकान से खरीदने सामान नहीं मिलती, मोदी केयर में बेशुमार सक्सेस है, लाखों लोग पा रहे हैं और हर कोई पा सकता है, और शुरुआत इसी एक मीटिंग से इस बिजनेस को समझ के होती है। आइए आगे चलते हैं, 7-16% के अक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस के बारे में बात करते हैं। मैंने बात करी थी मोदी केयर के प्रोडक्ट्स में एमआरपी होती है, जिसपे आपको नहीं खरीदना होता, आपको डीपी पे खरीदना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस पे। एक और चीज होती है मोदी केयर में फ्रेंड्स, जिसको हम बोलते हैं बीवी। एक्सक्यूज मी, बीवी जो होता है वो हमारे
डीपी का 50-60% जो है होता है, और पीवी भी एक और चीज होती है जो 27 बीवी मिलके एक पीवी बनता है। अब जैसे मोदी केयर में आते हो, यानी करीबन 50 रुपए की परचेज कर लेते हो ना, 27 बीवी की परचेज कर लेते हो, तो 7% हो जाते हो और अपनी करीबी परचेज पे 7% के हिसाब से कैशबैक के हकदार हो जाते हो। जैसे आप 301 पीवी का करते हो 10% हो जाते हो, 1201 का करते हो 13% हो जाते हो, 2701 का करते हो 15% हो जाते हो, और जब 4001 पीवी का कर लेते हो परचेज जुड़ते हुए, एक महीने में नहीं करना है, एक हफ्ते में नहीं करना है, या कोई टाइम लिमिट नहीं है इसकी, आप महीने दर महीने परचेज करते जा रहे हो, ये जुड़ता जा रहा है, और फिर जब आप 1,08,027 बीवी यानी करीबन 2 लाख रुपए की परचेज कर लेते हो तो 16% हो जाते हो। फिर आप, मगर आप ये बोलोगे इस देख के कि निशान जी आपने बोला मोदी केयर के घरेलू प्रोडक्ट्स हैं, हर रोज इस्तेमाल करने के प्रोडक्ट्स हैं, बार बार इस्तेमाल करने के प्रोडक्ट्स हैं, इसमें 2 लाख रुपए की परचेज करने में तो काफी वक्त लग जाएगा। दोस्तों यही तो बात है, इसमें सिर्फ आपकी परचेज नहीं जुड़ती है, उन सभी लोगों को जिसके बारे में आप मोदी केयर के बिजनेस को बताते हो, वो मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना लग जाते हैं, उनकी परचेज भी इसमें जुड़ने लग जाती है, और आपको डिफरेंशियल सिस्टम के हिसाब से उनका रिटर्न मिलता है। यानी कि व्यक्ति नया है वो 7% है, आप 16% पे हो, उनकी परचेज का उनको तो 7% मिल जाएगा, उनकी परचेज का आपको 16-7, 9% आपको मिल जाएगा। यानी कि खरीद कोई और रहा है, इस्तेमाल भी वो कर रहे हैं या वो आगे किसी को बता रहे हैं, और उसके ऊपर हम भी अर्न कर पाते हैं, क्योंकि हमने उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, इस मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, तो हमारे को भी उस पर एक तरीके की रॉयल्टी दोस्तों मिलने लग जाती है ना, अमेजिंग। अब आप सोचिए, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके ऑफिस वाले, आपकी किट्टी की फ्रेंड्स, इन सब ने क्या 2 लाख रुपए का वॉशिंग पाउडर नहीं खरीदा होगा? इन सब ने टूथपेस्ट, नहाने का साबुन, उम्मीद करता हूँ नहाने का साबुन खरीदा होगा उन्होंने, बिल्कुल खरीदा होगा दोस्तों। तो ये लेवल जो है बहुत आसानी से पहुंच जाता है, 16% बहुत आसानी से व्यक्ति कर लेता है। बट आप एक और चीज बोलोगे कि निशान जी हम 16% हो रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं, वो भी तो लोगों को बता रहे हैं, उनकी भी तो महीने दर महीने जुड़ रही है, जब वो भी 16% हो जाएंगे तब क्या होगा? तब फ्रेंड्स मोदी केयर हमारे को मौका देती है एक 4% के डायरेक्टर बोनस पूल का हिस्सेदार बनने की। मोदी केयर जितना भी महीने का बिजनेस करता है बीवी में, उसका 4% क्वालिफाइड डायरेक्टर को देने के लिए वो रखता है। क्वालिफाइड डायरेक्टर कैसे बनते हैं? आप 16% हो गए जुड़ जुड़ के, महीने दर महीने की शॉपिंग जुड़ जुड़ के आप 16% हो गए, उसके बाद जब महीने का फ्रेश बिजनेस हमारा 1250 TGPV हो जाता है, यानी कि 3750 BV हो जाता है, हम एक क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाते हैं, मोदी केयर के उस 4% के फंड का हिस्सेदार बन जाते हैं। बट आप बोलोगे निशान जी हमारे नीचे जिनको बता रहे हैं वो भी तो इस फंड को पाना चाहेंगे, सिर्फ हम थोड़ी ना है जो पैसे कमाना चाहते हैं, वो भी तो कमाना चाहते हैं, फिर क्या होगा? फिर फ्रेंड्स एक लीडरशिप टाइटल क्वालिफिकेशन की जो सीढ़ी है उसको चढ़ने का मौका मोदी केयर हमारे को देता है। आप डायरेक्टर हैं, यानी कि आपका 1250 का PGPV है, आप 16% हैं, तो आपके नीचे जैसे एक डायरेक्टर आ जाता है, साइड का 1100 बिजनेस होता है, आप सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं। दो लोग आ जाते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते हैं, 900 PV का बिजनेस होता है, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते हैं। 3 होता है सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ऐसे करते करते जब 14 लोगों को आप डायरेक्टर बना देते हो, यानी कि वो 4% का पूल या उससे ज्यादा वो कमाने लग जाते हैं, आप ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बन जाते हो दोस्तों। सिर्फ 14 लोगों को बिजनेस के बारे में बता के, उनकी जिंदगी बदल के, उनको पैसे कमाने का एक तरीका बता के, आप मोदी करके टॉप लेवल पे पहुंच सकते हो दोस्तों, है ना अमेजिंग। और जब हम ये चढ़ना चालू करते हैं सीढ़ी, तो हमारी कमाई कैसे चालू होती है, कैसे हम एक वो हमारी जो लाइफ है उसके लिए अर्निंग चालू कर सकते हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो 14% का टीम बिल्डर बोनस जो है वो हमारे को मिलने लग जाता है। 14% का पूल होता है ये फ्रेंड्स, मोदी केयर अपने सारे बिजनेस का 14% साइड में रखती है, क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर एंड अबव को दिया जाता है, 9 जनरेशन तक मिलता है। और जब ये व्यक्ति कमाने लग जाता है ना, आस पड़ोस के लोग जो जानने लग जाते हैं कि आपने कोई बिजनेस ज्वाइन कराया और उसमें सफलता पानी चालू कर दी है, तो रहन सहन बदल जाता है, इतनी इनकम आने लग जाती है, बहुत अच्छे लेवल की इनकम आने लग जाती है। इस पे सीनियर डायरेक्टर बनके एक और मौका हमारे को मिलता है एक लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस कमाने का, मोदी केयर का सबसे बड़ा बोनस है ये फ्रेंड्स। और ये हम कैसे कमाते हैं, हम सीनियर डायरेक्टर बने, हमारी जो डायरेक्टर लेग है उसका हम 3600 GPV करने में जब उनकी मदद कर देते हैं, यानी कि किसी और को सफल होने में हम मदद कर देते हैं, उनको आगे बढ़ने में हम मदद कर देते हैं, तो हम ये LPB लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस कमाने लग जाते हैं। और दोस्तों जब ये कमाने लग जाते हो ना, तो जिस दुकान से कपड़े खरीदते हो वो बदल जाती है, जिस रेस्टोरेंट में खाना खाते हो वो बदल जाती है, 2-व्हीलर से व्यक्ति 4-व्हीलर पे आने लग जाता है,
और जब आसपास वाले देख रहे होते हैं ना, तो समझ में आ जाता है कि बिजनेस ज्वाइन तो करा ही करा है, उसमें अपार सफलता पानी भी इन व्यक्ति ने चालू कर दी है, सिर्फ और सिर्फ किसी और को सक्सेसफुल बना के लीडरशिप दिखा के। नाम में ही है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, तो लीडरशिप दिखा के ये कमाने लग जाते हैं। सीनियर डायरेक्टर बनते हैं तो एक और चीज मिलती है, वो लाइफस्टाइल फंड्स, वो मौज करने के फंड चालू हो जाते हैं। एक 3% का ड्रीम ट्रैवल बोनस पूल भी है, सीनियर डायरेक्टर ही बनना होता है दोस्तों इसके लिए भी। आप सीनियर डायरेक्टर हो यानी कि एक नीचे डायरेक्टर है, साइड का 1100 पीवी का बिजनेस है, आप आराम से इसको ट्रैवल फंड को पाने लग जाते हो, ये कंपनी अपने पास रखती है, और जैसे किसी नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप पे जाती है तो उससे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इन ट्रिप्स पे ले जाती है। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते हैं, 3 डायरेक्टर बनाते हो, साइड का 600 पीवी का बिजनेस होता है, तो एक 5% का ड्रीम व्हीकल बोनस पूल रख रखा है, तो देखिए करके सारी इनकम में से 5% इसके लिए बांटा जाता है, और इसी की वजह से हर रोज लोग 5 लोग मोदी केयर से अपनी पसंदीदा गाड़ी लेते हैं। BMW, मर्सिडीज, पोर्श तक आ गई है लोगों के पास, मोदी केयर के पास पोर्श इस ड्रीम व्हीकल बोनस फंड से। 3% का ड्रीम होम बोनस पूल मोदी केयर देता है, जैसे आप रेजिडेंशियल डायरेक्टर बन जाते हैं, ये आपके सपनों के घर के लिए और डे टू डे जरूरतों के लिए होता है फ्रेंड्स ये फंड, और प्रेजिडेंशियल डायरेक्टर को बनता है, 6 डायरेक्टर अपने नीचे बना लेते तब। और फिर फ्रेंड्स 2% का अटूट बंधन बोनस पूल होता है मोदी केयर में, जो मोदी केयर के top 3 टाइटल अचीवर्स को दिया जाता है। इसकी बस एक ही वो है कि इसमें 21 लाख रुपए की कैप है। इस बोनस से एक व्यक्ति जो है ज्यादा से ज्यादा 21 लाख रुपए महीना ही कमा सकता है ना अमेजिंग। 10 तरीके पैसा कमाने के दे रखे हैं मोदी केयर ने, पर जो सबसे बड़ी कमाई है मोदी केयर से वो अगली स्लाइड पे दोस्तों, और वो एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जीने का मौका देती है। कितने लोग होते हैं जो दूसरों को एक बिजनेस के बारे में बता पाते हैं? ज्ञान हर कोई दे देता है, काम जो है उसके बारे में लोग शेयर नहीं कर पाते, उनको लगता है कि कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। वही मोदी कैरियन के पास हक होता है, राइट होता है और काबिलियत होती है कि वो किसी और को भी इस बिजनेस के बारे में बताए, एक नोबल बिजनेस के बारे में बताए, एक लाइफ में आगे बढ़ने का किसी और को जरिया जो है वो दिखाए बताए, और क्यों ना करें। कोरोना में हमारे को पता है दोस्तों कितनी जॉब लॉसेस हुई है, कितने लोगों ने अपनी नौकरियां खोई है, लेफ्ट एंड राइट लोग नौकरियां खो रहे हैं, हर इंडस्ट्री में फर्क पड़ा है, और वही मोदी केयर जो है वो आगे से आगे करता जा रहा है। पिछले 24 साल में कभी मोदी केयर का बिजनेस 200 करोड़ रुपए महीने का नहीं हुआ। लॉकडाउन के वक्त, इस कोरोना के पीरियड के वक्त 200 करोड़ रुपीज सेल पर मंथ तक पहुंच गया मोदी केयर। 50 लाख से ज्यादा कंसल्टेंट्स हो गए मोदी केयर, 10,000 लोग इस मोदी केयर को हर रोज ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो फटाफट ज्वाइन कर लो, पड़ोसी आपको बताए उससे बेहतर आप पड़ोसी को बता दो। 5,000 शहरों में अवेलेबल है हम, हमारी डिलीवरी है, 5 लाख स्क्वायर फुट के वेयरहाउस है, 10,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स है, और 17,000 पिन कोड्स पे हम डिलीवरी करते हैं। 14 प्रोडक्ट कैटेगरी हो गए हैं, 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, 700 से ज्यादा SKU है, 7 प्रोडक्ट हर सेकंड हम सेल करते हैं। 58,000 टन, 1,000 किलो बन के 1 टन बनता है, 58,000 टन के प्रोडक्ट हर महीने हम सेल करते हैं। और ये सब सिखाने के लिए मोदी केयर ने एक सिस्टम बना रखा है, SPBM बना रखा है आपको और मेरे को इस बिजनेस में काबिल बनने के लिए। और दोस्तों इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत जो है वो भी मैंने समीर मोदी जी के शब्दों से ही करी थी, सोच बदलो, खुद को बोलो, दुनिया बदलो, और वो उनके एंड भी मैं उनके शब्दों से करने वाला हूँ कि विद एवरी स्टेप यू टेक आई विल टेक टू। यानी कि अगर आप अपनी सफलता और सपनों की तरफ एक कदम उठाने के लिए तैयार हैं, तो मोदी केयर की मैनेजमेंट और समीर मोदी जी खुद 2 कदम उठाने के लिए तैयार हैं दोस्तों। तो ये था मोदी केयर का प्लान, मोदी केयर का प्रेजेंटेशन, मोदी केयर की बट बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में मैं आपको बात करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगा आपको मोदी केयर के कुछ प्रोडक्ट्स, 400 हैं, हर एक दिखाना तो बहुत मुश्किल है, बट कुछ प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के साथ कुछ प्रोडक्ट दिखाऊंगा, आपको देख के समझ में आएगा कि क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी है, कैसे मार्केट के प्रोडक्ट से बेहतर है और कैसे वो आप दिखा भी सकते हो किसी को। और फिर एक और तरीके के प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा मोदी केयर, वो सफलता के प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स जिन्होंने अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे कर लिए और आगे बढ़ते जा रहे हैं, दूसरों को भी सपने पूरे करने में मदद कर रहे हैं। मोदी केयर के कुछ, बहुत कुछ जो है सक्सेसफुल लीडर से, सक्सेसफुल बिजनेस ओनर से मोदी केयर के। तो आइए चलते हैं और सबसे पहले बुलाते हैं सुनीता राजपूत जी को, जो हमारे को प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन आज शेयर करके अपना बताने वाली है। तो सुनीता जी आपका स्वागत है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजपूत दिल्ली से बिलोंग करती हूँ
और आज सबसे पहले मैं अपनी गुरु माँ और अपने अनीश सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और सबसे पहले मेरी जो ग्रेट ग्रेट माँ है और वो है मेरी अपलाइन प्रियंका मैडम और अनीता भंडारी। आज मैं डेमो दिखा रही हूँ, डेमो दिखाने जा रही हूँ स्पीक एंड स्पैन का, जो कि हमारे मोदी घर का बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और यह है हमारे घर में जैसे कि नल होते हैं उन पर जो खारा पानी जम जाता है स्टील के नलों पर, उनको बहुत ही आसानी से साफ कर देता है। और ऐसे ही हमारे घर के जो तांबे और पीतल के बर्तन होते हैं पूजा के, इस टाइम गर्मियां चल रही हैं और सबके घरों में तांबे पीतल जी। सुनीता मैम, आपके पास 1 से 1.5 मिनट है डेमो के लिए, तो आप डेमो करते करते लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। ओके सर, तो आज मैं आपको स्पीक एंड स्पैन का डेमो दिखाने जा रही हूँ। तो हम देखते हैं कि ये कैसे क्लीन करता है। तो सबसे पहले मैं ये देख रही हूँ कि ये हमारी पूजा की तांबे की प्लेट है और मैंने ये स्पीक एंड स्पैन लिया और ये मैंने इसमें हल्का सा डाला। अब हम देखते हैं कि ये हमारे स्पीक एंड स्पैन कैसे अच्छे से कवर करता है। दोस्तों ये हमारा मोदी केयर का बहुत ही प्यारा जूना है और ये 6 महीने भी चलता है। और हमारा ये देखिए स्पीक एंड स्पैन ने हमारे जो पूजा के तांबे और पीतल के बर्तन थे बहुत ही अच्छे से क्लीन कर दिया। और ये हमारे घर के बाथरूम की टाइल्स पर जमे हुए इसके पानी के दाग धब्बों को भी बहुत अच्छे से क्लीन करता है। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। दोस्तों ऐसी सफाई करने के लिए ना हम दिवाली का ही इंतजार करते हैं, क्योंकि तभी है कि जब हम वो घिसना और रब करना, इतनी मेहनत करने का मूड हमारे अंदर जागता है। बट मोदी केयर के ऐसे लाजवाब प्रोडक्ट जो है वो हमारे को दिखाते हैं कि डेली में भी हम हमारे घर को बहुत साफ सुथरा रख सकते हैं। थैंक यू सुनीता मैम इतना वंडरफुल डेमो दिखाने के लिए। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट डेमो के लिए हम बुलाना चाहेंगे पिंकी जी को। मैं पिंकी जी को लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि हाँ यस पिंकी जी दिखिए। पिंकी मैम ओवर टू यू। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और मैं सुरेखा मैम को नमस्कार करना चाहती हूँ और मेरा नाम पिंकी श्रीवास्तव है और मैं आपको बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रोडक्ट आंवला जूस, मैं इसका एक छोटा सा सामयिक डेमो दिखा रही हूँ आपको, जो हमारे बॉडी के लिए कितना फायदेमंद है। तो यहाँ मैं आपको डेमो दिखाती हूँ। जैसे कि एकदम मेरा ये प्योर बॉडी है, साफ बॉडी है, पर हमने कुछ ऑयली खाना खाया, जो ऑयली खाना हमारे कभी कभी बॉडी में से बाहर आते नहीं है, टॉक्सिन्स के थ्रू वो अंदर ही छिपके रहते हैं। तो हम देखते हैं कि आंवला जूस कैसे हमारे बॉडी को टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और हमारे बॉडी को कैसे क्लीन करता है। तो ये हमने ये लिया और इस बॉडी को गंदा किया, हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला बिटाडीन। अब हम देखते हैं इसमें थोड़ा सा आंवला जूस डाल के कि हमारे ऑर्गन्स को कैसे ये क्लीन करता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितना अच्छा हमारे बॉडी को ये क्लीन करता है और प्लस ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, बहुत ही फायदेमंद है और आज के टाइम में तो बहुत ही जरूरी है आंवला जूस। चाहे आंवला को किसी भी रूप में लिया जाए, वो विटामिन सी से भरपूर होता है, तो अभी हमें आंवला जूस लेना ही है। और ये बता दूं फ्रेंड्स कि अगर एक ऑरेंज में जितना विटामिन सी पाया जाता है उतना उससे 8 गुना ज्यादा हमें एक आंवला जूस में विटामिन सी पाया जाता है। सो आंवला जूस है ये फ्रेश आंवले से बनता है नेचुरल, तो ये बहुत ही अच्छा है हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए, आंखों के लिए और सबसे बड़ी बात कि हमारे जब पेट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो और सारी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू पिंकी मैम इतने अच्छे से डेमो दिखाने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। देखा फ्रेंड्स एवी नहीं है 12 कैटेगरी। सुनीता मैम ने डेमो दिखाया कैसे आप घर को साफ रख सकते हो, पिंकी मैम ने डेमो दिखाया कि कैसे अंदर से खुद को साफ रख सकते हो। तो आइए चलते हैं उन लोगों से बट बात करते हैं जिन्होंने अपने बैंक बैलेंस को साफ नहीं बहुत भर लिया है इस बिजनेस के थ्रू। सक्सेस स्टोरीज से मिलते हैं, बेस्ट पार्ट है इस इवेंट का मेरे लिए। आप भी सुनो, ध्यान से सुनना आखिर तक के सारे टेस्टिमोनियल सुनना, क्योंकि किसी ना किसी इस सक्सेसफुल कहानी में आपको खुद दिखोगे। आपको कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जिन्होंने की शुरुआत वहीं से थी जहां आज आप हो और जो सफलता उन्होंने पाई है आपको लगेगा वो पा सकते हैं, तो आप भी पा सकते हो। दोस्तों अपना दिमाग और माइंड खोल के रखना। जब हम पेपर के लिए तैयारी करते हैं, आईटी के पेपर के लिए तैयारी करते हैं, तो टॉपर की कहानी सुनते हैं ना,
1000वीं रैंक जिसकी आई है उसकी कहानी नहीं सुनते, टॉपर की सुनते। तो ये हमारे मोदी केयर के कुछ टॉपर्स जो हैं वो आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक बड़े यंग डायनामिक लीडर से, बहुत पावरफुल हैं, जब भी इवेंट में आते हैं तो अपने साथ एक एनर्जी लेकर आते हैं, और उसी के लिए आज के लिए आज की तारीख में मोदी केयर में ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है, फॉरेन ट्रिप्स जा चुके हैं, लाइफ को पूरा चेंज कर दिया, अपनी पसंद की एसयूवी में घूमते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए मिस्टर हरीश दुरेजा जी का। हरीश सर आपका स्वागत है, एंड ओवर टू यू। गुड मोदीकर मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम हरीश दुरेजा, मैं रोहतक हरियाणा से हूँ, और मोदीकर करने से पहले मेरा फूड सप्लीमेंट का बिजनेस था, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, रिटेल होलसेल दोनों, ऑल ओवर इंडिया में हम कस्टमर से डील करते थे, और कैडेट लेवल से लेके ओलंपिक लेवल तक के बच्चों के साथ मैंने डील किया। बट एक जो चैलेंज आ रहा था वो चैलेंज ये था कि सुबह दुकान खोलो और रात को दुकान बंद करो, सुबह 9 बजे खोलो, रात को कभी 9 बज रहे हैं, कभी 10 बज रहे हैं, कभी हम जिम जा रहे हैं तो कस्टमर के फोन आ रहे हैं, कभी हम फैमिली के साथ मूवी देख रहे हैं तो कस्टमर के फोन आ रहे हैं। तो मतलब पैसा तो था पर बिजीनेस बहुत थी, फैमिली के लिए और अपने लिए टाइम कम था, कभी मैं जिम कर रहा हूँ तो कस्टमर का फोन आ रहा है, तो इन बिटवीन हमें डिस्टर्ब होकर जाना पड़ता था। तो मैं सोच रहा, और साथ के साथ क्या हुआ, 2016 के अंदर आरक्षण हुआ, आरक्षण में हमारी दुकान लूट ली गई, जला दी गई। तो उस टाइम मेरे मन में एक विचार आया कि कोई ऐसा बिजनेस ढूंढे कि जो आरक्षण प्रूफ हो, जो मंदी प्रूफ हो, जो सुनामी प्रूफ हो, इन चीजों से प्रूफ हो, सर्दी प्रूफ हो, गर्मी प्रूफ हो, हर चीज प्रूफ बिजनेस हो, कि कभी भी कहीं भी कैसे भी किया जा सके, अपनी मर्जी से, अपनी पावर से, अपने टैलेंट से हम उसको बढ़ा सके, ऐसा बिजनेस। तो सर्च किया, और मैं बताना चाहूंगा मोदी केयर में बाई चांस नहीं आया हूँ, बाई चॉइस आया हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सुरेखा मैम जी का और समीर मोदी जी का, जिनकी वजह से आज मैं मोदी केयर में हूँ, और मैं साथ के साथ थैंक यू करना चाहूंगा हमारे छोटे भाई निशान जी का, जिनकी वजह से हम आईटी में स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, यूट्यूब जूम इनकी तरफ से सीख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच निशान जी। माय डियर फ्रेंड्स, मोदी केयर से कंप्लीट 5 फॉरेन ट्रिप में ले चुका हूं, और मोदी केयर से 2 लाख प्लस की मेरी इनकम है। 14 जनवरी 2021 जो अभी गया है लॉकडाउन से जस्ट पहले, कंपनी की तरफ से ब्रांड न्यू ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी मुझे गिफ्ट मिली, जो मेरी ड्रीम कार थी, फर्स्ट ड्रीम कार थी, और बहुत जल्दी मेरी टीम में 100 कारें आने वाली है। जैसे ही 100 कारें कंप्लीट होंगी, 101वीं कार रेड कलर की मर्सिडीज होगी, जिसके लिए मैं प्लानिंग कर चुका हूं, और लगभग जो टारगेट रखा है 1 से 2 साल के अंदर वो चीजें पूरी होती दिख रही हैं आने वाले समय के अंदर। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा मोदी केयर का, और साथ के साथ सारी चीजें आ रही है, पैसा, फॉरन ट्रिप, गाड़ी, घर, सब कुछ मोदी की तरफ से आ रहा है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है, कहते ना पढ़ाई करने में हम वो चीजें नहीं सीख पाते जो डायरेक्ट सेलिंग में सीख पाते हैं, मोदी केयर में सीख पाते हैं, वो है पर्सनल डेवलपमेंट। टैलेंट कितना मर्जी हो, जब तक हम उसको लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे तब तक आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं आएगी। मोदी केयर से मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मिली है, और मैं आज की डेट में प्राउड फादर हूँ, प्राउड हस्बैंड हूँ, प्राउड सन हूँ, क्योंकि नेशनल लेवल पे मुझे भी रिकॉग्निशन मिला, और नेशनल लेवल पे मेरे पेरेंट्स को, मम्मी पापा को मिला। जब कहते ना 2 इंच नाक गर्दन ऊंची हो जाए, तो उस बच्चे के ऊपर माँ बाप को नाज होता है, वो नाज मैंने अपने माँ बाप को फील करवाया है और उनको नाज मिला है, और आई एम वेरी थैंकफुल। बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी केयर है तो सब कुछ पॉसिबल है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हरीश सर, अमेजिंग फ्रेंड्स, बिजनेसमैन, खुद के बिजनेस चलाए, बट चाहते थे वो जो एक नॉर्मल बिजनेस की जो कमियां होती है, वो जो टाइम फ्रीडम चाहते थे, तो आज की तारीख में अपनी पसंदीदा गाड़ी में घूम रहे हैं, फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं, डुकाटी के ऊपर फोटो डालते हैं, और अपने टीम के लोगों के भी सपने पूरे कर पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच हरीश सर। आइए फ्रेंड्स, अब हमारी नेक्स्ट सफलतम कहानी की तरफ बढ़ते हैं, एक बहुत ब्यूटीफुल कपल से आपको मिलाता हूं। इनके बारे में एक चीज मैं जानता हूं कि हमेशा हमेशा अपने सपनों पे ही काम करना चाहते थे, अपने लिए ही काम करना चाहते थे, और उस ड्रीम को इस मोदी केयर के प्लेटफॉर्म के साथ फुलफिल कर पा रहे। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम फ्रेंड्स हरप्रीत सिंह जी एंड हरविंदर कौर सिंह जी को, रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर्स इन मोदी केयर। सर मैम आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच निशांत जी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग सर, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त थी, बहुत मजा आया। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है जैसे निशांत सर ने बताया, और 2015 से हम मोदी केयर के साथ हैं, और दोस्तों जीवन पूरा बदल गया है। 2015 से पहले का जीवन और 2015 से बाद का जीवन, बहुत जमीन आसमान का फर्क आया। बहुत मुश्किल थी, बहुत सारे बिजनेस में लॉसेस हुए, सपने बहुत बड़े थे, कुछ ना कुछ मांग रहे थे भगवान से, कोई रास्ता मिले, और शुक्र है भगवान का कि मोदी केयर हमारी जिंदगी में आया, हमारी ग्रेट अपनाइन जी की वजह से हमने काम करना शुरू किया। और दोस्तों सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए, बहुत सारी परेशानियों का सामना किया मोदी केयर के दौरान भी, वो हर किसी की लाइफ में आती है, मगर सक्सेस की गारंटी जो यहाँ पे दी जाती है वो सच में एक बहुत बड़ी न्यायत है हम सब लोगों के लिए,
कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति मेहनत करेगा, आगे बढ़ना चाहता है, वो जरूर कामयाबी के शिखर पर पहुंचेगा। अच्छी इनकम ले रहे हैं, रॉयल ब्लैक डायमंड के लेवल पर है, 3.5-4 लाख रुपए के लेवल पर पहुंच गए हैं, 2 गाड़ियां ले चुके हैं मोदी केयर से, और सबसे बढ़िया खुशी की बात है कि अपनी एक शौक पूरा किया है इस साल मार्च में, महिंद्रा की थार बुक करवाई है जो सितंबर में हमें मिलने वाली है, एंड अभी अपने घर में रह रहे हैं, बहुत जल्दी यहाँ से बड़े घर में ट्रांसफर होंगे। जो सपना है इस साल का मिशन 1221 में 21 साथियों के साथ पहुंचना है और 1 CR क्लब में अपनी रिकग्निशन करवानी है, बस यही सपना है इस साल का, इसी के साथ हम जी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेखा मैम एंड निशांत सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू निशांत जी, थैंक यू सुरेखा मैम, थैंक यू वेरी मैम। थोड़ा सा हम आपसे भी सुनना चाहेंगे प्लीज। फिर 1 मिनट से ज्यादा हो जाएगा। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, जो 2 है अगर डुअल आए हो तो 1 मिनट से ज्यादा है। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, मोदी केयर 6 महीने की रेगुलर फॉलोअप के बाद मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि तब मोदी केयर का प्लान ये नहीं था और मैं मोदी केयर पैसे के लिए करना चाहती थी, क्योंकि बहुत बड़ी टोकरी कर्जे के रूप में सिर के ऊपर चढ़ी हुई थी और दोस्तों 32 लाख से ज्यादा था, ऑलमोस्ट 25 लाख उतर चुका है और बीच में घर बन चुका है और छोटा है घर पर बड़ा सुंदर घर है, मुझे बहुत प्यारा है हरप्रीत, जल्दी चेंज करना चाहते हैं पर मैं 2 साल लेना चाहती हूँ, पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है, पर मैं ये कहती हूँ कि वक्त ने मोदी के प्लेटफॉर्म के द्वारा हमारी औकात बदल दी है, सुकून आ गया लाइफ के अंदर। 4 लाख का चेक आया, 3,88,000 बैंक में ट्रांसफर हुए एंड दैट वॉज द फर्स्ट मंथ जब मुझे पूरा महीना सबको जो कुछ देना था दे के भी मेरे अकाउंट में पैसे थे और मेरा रंग ज्यादा लाल था क्योंकि मैं शांत थी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ट्रूली कहते हैं कि नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, व्यक्ति जीरो से आके भी एक बहुत बड़ी एम्पायर क्रिएट कर सकता है। आप थोड़े से उसमें वो स्टार्ट लाइन से थोड़े से पीछे थे और उसके बावजूद इतनी सारी सक्सेस, इतनी ब्यूटीफुल कहानी और घर तो मैम जिसमें भी रहोगे आप दोनों ने उसको अमेजिंग और सुंदर बना ही देना है, तो बड़े से बड़ा घर हो उसने आपने उसको सुंदर कर ही देना है। और जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 4 लाख का चेक आया बट 3,88,000 क्यों आया, टैक्स कटता है, TDS कट के जाता है, इसलिए वो डिफरेंस है, तो घबराने नहीं, जितना कमाते हो उतना आता है। तो आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट अचीवर, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बट हमारे आने वाले जो हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं, जैसे हरप्रीत सर और मैम ने एक टाइम लिमिट में कोशिश करी अपनी कहानी बताने की, आप भी वो करें क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं इस मीटिंग में वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और उनको ज्यादा से ज्यादा कहानियां सुनाना, सक्सेस स्टोरीज बताना, रियल लाइफ स्टोरीज बताना, ये कहानियां नहीं है, ये रियल लाइफ कहानियां है, वो बताना हमारा सबसे पहला काम होता है। तो आइए चलते हैं और इनवाइट करना चाहूंगा मैं स्टेज पे प्रेजिडेंशियल डायरेक्टर कमल नायर एंड वंदना नायर जी को। कमल जी मैम आपका स्वागत है। Thank you sir, thank you Nishant ji, so nice of you, I'm Kamal Nayyar from Amritsar Presidential Director, जैसे निशांत जी ने बताया, और मेरी ग्रेट अपलाइन रंजीत सिंह औलख जी एंड परमजीत जी जैसे बाई चांस आए थे उस दिन को मैं भूलता नहीं हूँ, जब वो हमें ज्वाइन कराने आए थे जस्ट एज ए फ्रेंडशिप निभाने के लिए हमने ज्वाइन किया था, और मेरी अनदर मैं उनको पेरेंट्स की तरह मानता हूँ, रंजीत सिंह एंड परमजीत जी को, रबी जी को और हरविंदर बहन जी को एज ए गार्डियन जो हमारा पूरा ख्याल रख के गाइड कर रहे हैं हमें। मैं भी पिछले 4 साल से प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूं, उससे पहले मैं फार्मास्यूटिकल बिजनेस में था, वहां पे मैंने कैडिला में एज एरिया मैनेजर काम किया और तब एथिक्स से उस ट्रेडिशनल बिजनेस में बाद में ये एथिक्स भागते गए, मेरे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए जिंदगी में, हेड इंजरीज हुई, लेग ब्रेक हुई, सो बहुत कुछ मैंने देखा और मैंने डुप्लीकेशन की हुई है, जैसे डुप्लीकेशन होती है ना, हरप्रीत जी और रविंदर जी कर्जा मेरे ऊपर भी लोगों ने खा के चढ़ाया हुआ है और बहुत उतर रहा है, और हमने रीस्टार्ट किया ये कोरोना में, कोरोना के 8-10 महीनों में हमारा चेक डाउन हो चुका था 15,000, उससे चढ़ता 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 लास्ट मंथ हमारा चेक वाज 1,92,000, 2 लाख के करीब टच किया हमने। तो मेरा ड्रीम है
ये 2L21 की कॉन्फ्रेंस जो सुरेखा भार्गव मैम की है उसमें मैं 5 लाख से रॉयल जीबीटी बन के आऊँ, साथ में 5 लोगों को लेके आऊँ। और मेरे को आज भी कहानी याद है कि दूसरे ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या मिलता है, लोग कैसे मिलते हैं। इसमें मेरे को खुद बोला एक बारी समीर जी ने कि मैं मिलूंगा जब अमृतसर आऊंगा, उन्होंने खुद फोन किया, रेडिसन में मेरे को मिले, सुरेखा भार्गव अमृतसर में आए, उन्होंने हमसे आशीर्वाद दिया। और जयपुर में जब मैं प्रेसिडेंशियल गए तो वहां पे उनका सिर पे हाथ रुका, फोटो में आज भी देखता रहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक गॉड वी आर इन मोदी केयर, थैंक्स टू अवर अपलाइंस एंड ग्रेट अपलाइंस, रंजीत सिंह जी, परमजीत जी, हरप्रीत जी, हरविंदर जी, अब तो हम छोड़ने वाले नहीं है। मैंने इसमें ट्रेवल फंड का 1.5 लाख आया और कार फंड स्कॉडा कार ली और घर बनाना मैंने शुरू कर लिया, उसमें 15 लाख कम है मेरे पास, वो मैंने मोदी के से पाने हैं। पर अब अगर वंदना मैम मेरी वाइफ है तो वो बोलेगी। थैंक यू वेरी मच निशांत जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। शायद वो ज्वाइन नहीं कर पाई। Thank you very much, Nishant ji. So much. So thanks. God bless you. Thank you, sir. मैं वंदना मैम को कनेक्ट कर रहा हूँ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, ऐसे कमल ने एक मिनट ले लिया है, सो थैंक यू वेरी मच। मैं तो आज इतने भी बहुत खुश हूँ। थैंक यू सुरेखा भार्गव और थैंक यू निशांत जी की आज मैं इस लेवल पे आके बोलने लग गई हूँ, इसी में मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रह रहा। That's why कमल ने बहुत कुछ बोल दिया। थैंक यू वेरी मच। मोदी केयर ने हमें बहुत कुछ दिया है, उस मोदी केयर के लिए सबके लिए थैंक यू मैम, थैंक यू सर। इंटरनेट में मेरे को लगता है सिग्नल की कुछ प्रॉब्लम की वजह से कमल सर आपके काफी टेस्टिमोनियल तक हम आपको देख नहीं पाए। एंडिंग में थैंक गॉड कि हमने थोड़ी सी आपकी झलक दे ली कि इतनी इनक्रेडिबल स्टोरी के पीछे लोगों को वो सूरत तो देखे एटलीस्ट कि कौन है जो अपनी लाइफ की इतने सारे अप्स एंड डाउन्स, डिफिकल्टीज जो बताए उसके बावजूद एक बिजनेस में अपने आप को इतना सक्सेस बना पाए। तो थैंक यू कमल सर, थैंक यू वंदना मैम। एंड सर अब वो अप एंड डाउन की कहानी अब खत्म एंड जस्ट अप अप अप। थैंक यू सो वेरी मच। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर अरविंद सिंह एंड कवलप्रीत कौर मकन जी की तरफ। अरविंद जी आपका स्वागत है। थैंक यू सो वेरी मच निशांत सर इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। दोस्तों नाम अरविंदर सिंह माकन, नागपुर से बिलोंग करता हूँ, काफी बिजनेसेस रन कर रहा हूँ पर लॉकडाउन के कारण तकरीबन हर बिजनेस में काफी हद तक फर्क पड़ चुका है। पर आज से 2 साल पहले, लॉकडाउन से 1 साल पहले आप ये समझ लीजिए ऊपर वाले ने रास्ता दिखाया कि भाई आ जाओ और हम चले गए। करते करते आज एक अच्छे पोजीशन पे आ गए हैं। आज अच्छा लग रहा है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप सबके साथ में अपनी स्टोरी शेयर करते हुए। समय ज्यादा नहीं है इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, बस ये है कि मुझे यहाँ पे एक जो फ्रीडम चाहिए था, क्योंकि शॉप जाता था तो रोज शटर अप डाउन करना पड़ता था, तो वो शटर उठाते थे लगता था कि यार जिंदगी भर यही काम करना है, क्या शटर अप डाउन करेंगे, किसी दिन कमर में दर्द जरूर निकल आएगा। मौका दिया ऊपर वाले ने, आज यहाँ पहुंच चुके हैं और बहुत अच्छा कमा रहे हैं और बहुत जल्द मोदी केयर से अपनी पहली कार लेने वाले। थैंक यू, ओवर टू माय वाइफ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल जी। थैंक यू सो वेरी मच निशांत सर, सुरेखा मैम, हमारे सभी अपलाइंस को थैंक यू वेरी मच। ये नेशनल प्लेटफॉर्म पे आना ना मेरे हिसाब से ये बाय चांस नहीं है, मेरी बाय चॉइस है, क्योंकि खुली आंखों से बहुत सालों से सपना देखा है कि हजारों की भीड़ में अपनी सक्सेस जो स्टोरी है, लाइफ स्टोरी है, मैं अपने आप को खुद से देखती आई हूँ लोगों के साथ शेयर करते हुए। जो सपना था मेन तो यही था कि जो यहाँ पे आके पूरा हो रहा है। और अगर इनकम देखेंगे तो बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं। मलेशिया का ट्रिप हमने क्वालिफाई किया था, डबल उससे दोनों ने किया था, उसका 1 लाख रुपया कंपनी से ले चुके हैं। 50,000 वाला जो धूम का प्रोग्राम था हमने वो भी अचीव किया। मतलब अचीवमेंट पे अचीवमेंट यहाँ से लेते जा रहे हैं और अपनी टीम के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और हमारे साथ साथ हमारी टीम के भी सपने पूरे हो, वो चीज सिर्फ यही हो सकती है जो कि हमारी शॉप से पूरी नहीं हो सकती थी। दोनों पढ़े लिखे लोग, जो हमारी सबसे बड़ी पेन थी ये थी कि दोनों पढ़े लिखे लोग, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट जो कि शॉप में काम कर रहे थे और उतना अर्न नहीं कर पा रहे थे जितना हमारी कैपेसिटी पोटेंशियल हो सकती थी, जो यहाँ से हम पूरा कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू अरविंद सर, थैंक यू मैम। फ्रेंड्स इतनी ब्यूटीफुल बातें सर और मैम ने दोनों करी। सर ने बोला कि ऊपर वाले ने रास्ता दिखा और हमने बस मान लिया। कभी कभार ऐसा ही होता है लाइफ में, मौके आते हैं हम इफ्स एंड बट्स में रह जाते हैं, बट सर और मैम ने दोनों ने ये नहीं देखा और मैम ने बोला कि
हमारे पोटेंशियल को, अपने पोटेंशियल को वो अचीव करना चाहते थे और इस बिजनेस ने उनको वो मौका दे दिया। एंड ट्रूली ट्रूली जितना पोटेंशियल उन्होंने अभी तक अचीव करा उससे ज्यादा करते रहेंगे। फॉरेन ट्रिप, एक अच्छी इनकम, सब कुछ पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट अचीवर गुरपाल सिंह जी की तरफ, जो कि प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर है मोदी केयर में। गुरपाल जी आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम गुरपाल सिंह है और आज की डेट में मेरा काम है लोगों की जिंदगी बदलना, यानी कि मैं मोदी केयर कर रहा हूँ पिछले 2.5 से 3 साल। इससे पहले अगर अपने पास की बात करूँ तो मैं गवर्नमेंट जॉब में था, मैंने 19 इयर्स जॉब की है दोस्तों, और जॉब के दौरान ही मैंने पार्ट टाइम में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और आज की डेट में लास्ट ईयर मैंने अपनी जॉब को क्विट कर दिया है और आज की डेट में मैं फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूँ। और थैंक्स करना चाहूंगा मेरी ग्रेट अपलाइन नीति जैन मैम का, पदवी कौशिक मैम का, जिनकी वजह से, जिनकी बदौलत आज मैं इस लेवल पे पहुंचा हूँ। दोस्तों लाइफ बदल चुकी है। गवर्नमेंट जॉब में था तो बॉस गिरी बड़ी होती थी और सबसे बड़ी बात इस बिजनेस में जब आया तो ये था कि यार बॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ दुकान ही तो बदलनी है। वो दुकान बदल के अगर इतनी बड़ी अचीवमेंट आ सकती है, इतना कुछ हो सकता है तो क्या बात। और आज की डेट में ये है दोस्तों कि जितना मैं गवर्नमेंट जॉब में रह के सैलरी ले रहा था, आज मैं घर में बैठे बैठे उतना कमा रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच निशान सर। और एक टारगेट और लिया था निशान सर, मैंने दिल्ली में इवेंट में आपको देखा था, वो आपने जो 2.5 लाख वाली घड़ी पहनी थी, एक टारगेट मैंने वो लिया है कि जिस दिन मैं वो घड़ी खरीदूंगा सर आपके साथ एक फोटो जरूर करवाऊंगा। थैंक यू सो मच सर। डन सर डन, जितनी जल्दी आपको उस फोटो की है मेरे को भी उतनी जल्दी है उस फोटो की। थैंक यू सो मच। एंड फ्रेंड्स आई थिंक जो भी व्यक्ति जिंदगी में ज्यादा करना चाहता है वो गुरपाल जी से सीख सकता है। हम जॉब में रहते हैं, उसकी जो बंदिश है उसके अंदर रहते हैं और जब अपॉर्चुनिटी आती हैं तो कोई ना कोई लाइफ हमारे को कारण दे देती है उनको पूरा ना करने का या उनके ऊपर अमल ना करने का। बट सर ने वो जो जॉब की जो भी जिंदगी होती है उसको एक बंदिश नहीं बनने दिया, उसके बावजूद इस मिशन पे आए। आज की तारीख में जितना उस गवर्नमेंट जॉब में कमा रहे थे उतना ही कमा पा रहे हैं। एंड सही बात है, वो अब बॉस का चक्कर नहीं है और कोई टेंशन नहीं है और कोई टारगेट नहीं। तो थैंक यू सो मच गोपाल जी अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट अचीवर की तरफ। मैं बुलाना चाहूंगा प्लैटिनम डायरेक्टर भारती मनोचा मैम को। भारती मैम आपका स्वागत है एंड ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। थैंक यू निशान जी ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स नाम भारती मिनोचा, रोहतक से बिलोंग करती हूँ। फ्रेंड्स अपने बारे में बताऊं तो सिंपल सी हाउसवाइफ, जैसा कि आपको पता है कि हाउसवाइफ की क्या ड्यूटी होती है। फ्रेंड्स मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी वो ये थी कि मेरे हस्बैंड के पास मुझे देने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था। इनका ऐसा शेड्यूल था सुबह जाना और रात को आना। बट फ्रेंड्स फिर मेरी लाइफ में एक दिन मिस्टर जोगेंद्र पाल दुरेजा जी के द्वारा मोदी केयर आया। मैं उनका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। मुझे पता चला कि ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो घर से होती है, पार्ट टाइम में होती है, नॉट इन्वेस्टमेंट में होती है। और हमने जब इस बिजनेस को समझा तो स्टार्ट करना शुरू किया, तो स्टार्टिंग में 6 मंथ से यहाँ से मलेशिया का ट्रिप क्वालिफाई किया। और फ्रेंड्स बात करूँ नेक्स्ट अचीवमेंट की तो हम यहाँ से मोदी केयर के कार फंड से अपनी आर्टिका गाड़ी ले चुके हैं 11 लाख की मोदी के कार फंड से। फ्रेंड्स गोवा भी क्वालिफाई करने जा रहे हैं डबल और हो भी गया है, बस 1 मंथ का रह गया है। और फ्रेंड्स धूम भी क्वालिफाई कर चुके हैं। और मेरा जो सबसे बड़ा ड्रीम है फ्रेंड्स वो ये है कि मैं अपने हस्बैंड की जो किराने की शॉप है उसे मोदी करके बड़े शोरूम में कन्वर्ट करूं, क्योंकि सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि सुबह से लेकर शाम को, सुबह जाना और शाम को आना और अपनी फैमिली और बच्चों के लिए बिल्कुल टाइम ना निकालना। इसको मोदी केयर में मतलब उल्टा करना है इस चीज को कि मोदी केयर में अपने काम करें और अपनी मर्जी से अपनी शॉप को संभाले। फ्रेंड्स एक सबसे बड़ी बात जो बताना चाहूंगी लास्ट में कि फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड का 10 मई को बर्थडे था, इसी 10 मई को। और फ्रेंड्स हमने जो सेलिब्रेशन किया है आप विश्वास नहीं करेंगे, 17 इयर्स में पहला बर्थडे ऐसा मनाया है, बिकॉज ये लाइफ सिर्फ हमें मोदी केयर ही दे सकता है इतनी एंजॉयमेंट के साथ। और मेरे हस्बैंड को तो पहले मेरा बर्थडे या कुछ भी याद नहीं रहता था, लेकिन अब मोदी केयर में आने के बाद इनको सब कुछ याद रहने लग गया है। तो फ्रेंड्स ये इतनी बड़ी अचीवमेंट और इतना बड़ा चेंज आया है मेरी लाइफ में। और 2021 में हमारे 21 लोग वो उसमें जाएंगे, कपल 21 कपल जाएंगे हमारी तरफ से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू निशान जी। थैंक यू मैम। मैम अगर सर हैं तो आपकी इमेज एक्चुअली फ्रीज हो गई थी, हम सर से भी सुनना चाहेंगे प्लीज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नाम राजेंद्र मिनोचा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अपनी जिंदगी में ना कभी कोई ना नई गाड़ी ली ही नहीं,
तो मोदी केयर का मैं थैंक्स करना चाहता हूँ और सुरेखा मैम का थैंक्स करना चाहता हूँ, मैंने उनको सुना और देखा, इस बिजनेस को समझा, और थैंक यू निशान जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सुरेखा मैम, थैंक यू, मेरी जिंदगी में बहुत, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, भारती मैम सिंपल हाउसवाइफ, वो ट्रेजेडी वर्ड का इस्तेमाल करती हैं। उनको कितना दुखता था कि उनके बेटर हाफ के पास, उनके सिग्निफिकेंट अदर के पास उनके लिए टाइम नहीं था, और उसी को चल के वो जिंदगी में कुछ करने का जज्बा होता है ना, कोई और शायद से नॉर्मल इंसान हो, उसके लिए टाइम नहीं है, जिनको अपनी ड्यूटी करनी है वो तो करनी है, बट क्योंकि उन्होंने अपने कंधों पे, अपने सिर पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और फिर मोदी केयर मिला, तो आज की तारीख में वो फर्स्ट टाइम इन फैमिली वो नई कार, वो 1221 के लोगों का सपना, वो फॉरेन ट्रिप, वो सब पा पा रही है अपनी वो जो जिम्मेदारी लेने की वो आदत की वजह से और इस मोदी केयर के प्लेटफॉर्म की वजह से। थैंक यू सो मच मैम। आइए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट अचीवर नीति जैन मैम की तरफ, जो प्लैटिनम डायरेक्टर है। नीति मैम, ओवर टू यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मैं नीति, मैं प्लैटिनम डायरेक्टर हूँ, मोदी केयर करीबन 3 साल से कर रही हूँ और बाय प्रोफेशन डिग्री होल्डर इंटीरियर डिजाइनर हूँ। इंटीरियर को आज मैं छोड़ चुकी हूँ और अब मैं फुल टाइम मोदी केयर करती हूँ। दोस्तों आपको बताना चाहूंगी क्यों करती हूँ, क्योंकि इंटीरियर से मेरा पैसा बहुत उठता था और दूसरा वहां से बड़े सपने नहीं पूरे किए जा सकते थे। मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती थी और उसी के लिए मेरी अपलाइन में एक दिन मुझे पल्लवी जी ने मुझे फेसबुक के थ्रू कॉन्टैक्ट किया। मैंने ये बिजनेस को, अच्छी बात ये रही कि मैंने इस बिजनेस को सोचा, समझा और सुन के दिमाग में उतारा और सिर्फ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए और उन प्रोडक्ट्स को लोगों को धीरे धीरे बताना शुरू किया और बताते बताते आज अच्छी खासी इनकम ले रही हूँ मोदी केयर से। बहुत जल्दी इस साल के अंत तक 25 लाख की टाटा हैरियर कार अपने हस्बैंड को गिफ्ट करने वाली हूँ और मेरे 31 लोग मेरी टीम के साथ में मैं गोवा जा रही हूँ और उसके बाद में 2 साल में मोदी केयर से पहला घर अपना 3 करोड़ का लेने वाली हूँ। और दोस्तों मैं कमा रही हूँ ये अलग बात है, लेकिन मेरी टीम से भी बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं, तो दूसरों को कामयाब बनते देख के बहुत खुशी मिलती है। और एक और मिशन है 1221 मिशन में, मैं अपने 11 लोगों के साथ में जरूर दिल्ली इवेंट पे पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। और उसके अलावा एक छोटा सा और बहुत बड़ा ड्रीम ये है कि अपने हस्बैंड को जॉब से आजादी दिलानी है। जब मेरी इनकम मोदी केयर से 5 लाख हो जाएगी तो मैं अपने हस्बैंड को मोदी केयर अपने साथ फुल टाइम इस बिजनेस में लेके आऊंगी और उनको जॉब से हमेशा के लिए आजादी देना चाहूंगी। थैंक्स टू ऑल माय ग्रेट अपलाइन, थैंक यू निशान जी। थैंक यू नीति मैम। थैंक यू नीति मैम, इतनी इनक्रेडिबल जो आपने एक इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस में एक्सपीरियंस करा, वो शायद से हर एक बिजनेस ओनर जो है एक्सपीरियंस करता है और वो एक्सपीरियंस करते करते ही अपनी लाइफ को गुजार देते हैं। बट आपने एक चेंज का सोचा, चेंज करने का सोचा, तो आज की तारीख में घर कार हर चीज है, आप लोगों के आगे सपने देख रहे हैं। एंड आई प्रे टू गॉड कि आपके हस्बैंड वो जॉब फ्री बहुत जल्दी हो जाए। तो थैंक यू सो वेरी मच। आइए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हमारी अगली जो हमने स्पेशल गेस्ट आज बुला रखे थे प्रेजेंटेशन के लिए, करिश्मा शर्मा जी जो हैं, वो शायद से इंटरनेट की कनेक्शन की वजह से मीटिंग में ज्वाइन नहीं कर पाई हैं शायद से, या डिस्कनेक्ट हो गए तो मैं उनको लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट अचीवर जागृति भूटानी जी को इन्वाइट करते हैं ऑन स्टेज। तो जागृति मैम, ओवर टू यू। प्लैटिनम डायरेक्टर है मोदी केयर में जागृति मैम। थैंक यू निशांत सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम जागृति भूटानी है, रोहतक से बिलोंग करती हूँ और मोदी केयर में आने से पहले मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर थी। 15 साल मैंने अपने टीचिंग प्रोफेशन को दिए। दिक्कत तो वहां पर भी कोई नहीं थी, जरूरतें सभी पूरी होती थी और सब कुछ अच्छा चलता था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे, बहुत कुछ करना चाहती थी। पापा भी मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, हस्बैंड की भी कपड़े की दुकान, लेकिन कभी भी हम बाय एयर कहीं नहीं घूम पाई। एक बहुत बड़ा एक छोटा सा मतलब मेरे मन में टीस था कि मैं कभी बाय एयर नहीं जा पाई। यहाँ पर आने के बाद मोदी केयर किसी ने मुझे, जब मुझे हरप्रीत जी ने और हरीश जी ने मुझे मोदी केयर समझाया और आने के बाद यहाँ पे 3rd महीने में कंपनी ने हमारा थाईलैंड पटाया का टूर निकाला, तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि ये ट्रिप मेरे लिए आया है। जो सपना मैं जिंदगी के 42 सालों में पूरा नहीं कर पाई, वो उस सपने को मैंने यहाँ पर विदिन 6 मंथ अपना कम्प्लीट किया। और उसके बाद मैंने यहाँ से अपना दूसरा फॉरेन टूर भी अचीव किया कंपनी, उसके बाद यहाँ से कंपनी ने धूम निकाला, धूम को भी क्वालिफाई किया। ऐसे लगा जैसे सपने धीरे धीरे मेरे, जो मैं कहीं भूल गई थी उन सपनों को मैंने यहाँ से बहुत जल्दी से, और ऐसे लगा कि ये तो
इतना छोटा छोटा सा काम था और उसके लिए मैंने इतना लंबा समय अपनी जिंदगी का खराब कर दिया कि क्यों मेरी जिंदगी में पहले मोदी केयर नहीं आया। थैंक्स टू मोदी केयर जिसने मेरे सपनों को इतनी बड़ी उड़ान दी। और आज मतलब मैंने 15 साल में टीचिंग प्रोफेशन से एक गाड़ी ली थी सेकंड हैंड सेंट्रो और मोदी केयर में 3 साल का सफर पूरा हुआ और यहाँ से मैं अपने कार फंड से मोदी केयर से नई किया सोनेट भी ले चुकी हूँ। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि नई गाड़ी फॉरेन टूर ये सब ट्रिप तो पूरे हो गए और अब मैंने जो नया कंपनी ने निकाला है गोवा टूर उसमें मैंने विद फैमिली इसको क्वालिफाई किया है। हमारा लास्ट मंथ है जिसमें विद फैमिली और साथ साथ मेरी टीम से भी कम से कम 10 लोग मेरे साथ जा रहे हैं। तो हर वो सपना जो पहले एक सपना था अब लगता है कि कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया मिस्टर समीर मोदी जी ने, सुरेखा मैम ने और आप सबका, मेरे अपनाइंस का बहुत बहुत थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू निशांत सर। थैंक यू जागृति मैम, थैंक यू सपने देखने के लिए और उनको उड़ान दिलाने के ऊपर इरादा जो है मजबूत रखने के लिए। फ्रेंड्स, छोटी सी चीजें मोटिवेट इतना कर जाती है। जागृति मैम का वो फ्लाइट में बैठने का, प्लेन में ट्रेवल करने का सपना था एंड इतनी ब्यूटीफुल चीज इन्होंने कही कि राइट, इनको मौका मिल गया अपने सपने पूरे करने का तो वो कितने आसान दिखने लग गए। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट अचीवर प्लैटिनम डायरेक्टर तानिया ग्रोवर जी की तरफ। तानिया जी आपका स्वागत है। थैंक यू निशांत सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम तानिया है, मैं रोहतक की रहने वाली हूँ। जैसे कि सबने आपको अपना अपना टेस्टिमोनियल बताया, मैं एक स्टूडेंट थी मोदी के ज्वाइन करने से पहले और आप सब जानते हैं स्टूडेंट को यही बताया जाता है कि भाई आप अच्छे से पढ़ाई करो ताकि एक आपकी अच्छी नौकरी लग जाए। बट गाइस मेरा सपना जॉब करने का बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि मेरे पापा को जॉब नहीं पसंद थी, देन मुझे भी आगे जॉब करना नहीं पसंद था। एक टाइम ऐसा आया मैंने जॉब करी भी सही और मैं रोज रो के जाती हूँ, रो के वापस आती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, बट मेरे ड्रीम्स कुछ बड़े थे कि मुझे कुछ अलग करना था, औरों से अलग करना था। तो देन हरीश जी मेरी लाइफ में आए जिन्होंने मुझे मोदी केयर समझाया और उन्होंने मुझे कुछ प्रोडक्ट्स के डेमोज दिखाए। और मैं आप सबको बताना चाहूँ मैं मोदी केयर में प्रोडक्ट के उस पर आई थी बिकॉज मेरे छोटे ब्रदर को डेंगू हो गया था, उसकी प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी थी, तो हमने उसको नोनी दिया था और वो लड़का मतलब हमने उसको मार्केट की कोई अदर टेबलेट नहीं दी, कई और टेस्ट नहीं करवाया, सिर्फ एक नोनी से ठीक हो गया। तो मेरा जो खुद का ट्रस्ट बिल्ड हुआ वो प्रोडक्ट से हुआ। देन मैंने मोदी केयर स्टार्ट किया, अपने फर्स्ट ईयर में ही मैंने डबल फॉरेन ट्रिप अचीव किया। जैसे मैंने आपको बताया मैं स्टूडेंट थी तो मैंने कभी आउट ऑफ इंडिया का सोचा भी नहीं था कि मैं आउट ऑफ इंडिया जाऊंगी भी सही, और मैं दुबई गई वो भी डबल क्वालिफाई, अपनी पूरी फैमिली की पहली लड़की थी मैंने जो आउट ऑफ इंडिया फ्री में मोदी केयर से गई। उसके बाद अभी मैंने मोदी केयर से 12 नवंबर को गाड़ी भी ली है फ्री में, जो पूरी फैमिली में से अगेन एक लड़की ने अपने दम पे ली। और अभी जैसे मैंने धूम भी क्वालिफाई किया था तो वो भी मैंने क्वालिफाई किया, उसका भी कंपनी ने मुझे पैसे दिया। तो यहाँ पे मेन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही था कि एक स्टूडेंट होने के बाद यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हुआ, मेरी स्पीकिंग स्किल्स इंक्रीज हुई, मैं थर्ड पर्सन से कैसे बात कर पाऊँ वो इंक्रीज हुआ। तो जो एक स्कूल में नहीं सिखाया जाता वहाँ एक स्टूडेंट को यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में सिखाया गया। तो थैंक यू हरीश जी, थैंक यू मोदी केयर, थैंक यू निशांत सर जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू तानिया। फ्रेंड्स एक स्टूडेंट एंड यही पावर देता है मोदी केयर फैमिलीज फर्स्ट बनने का, फर्स्ट पर्सन टू ट्रेवल आउट ऑफ इंडिया, पहली लड़की अपने परिवार की जिन्होंने गाड़ी खरीद ली खुद से, ये सब फर्स्ट के मौके थे। एंड तानिया एक बात बताऊं, कोई व्यक्ति अगर 30-35 हज़ार रुपए की नौकरी करे या 5 लाख रुपए महीने की नौकरी करे ना वो रोके ही जाता है। तो एकदम सही डिसीजन था कि आप मोदी केयर में, और मोदी केयर उठ के कि आज एक नया दिन है, आज क्या करना है सोच पाते हैं, वो कॉन्फिडेंस रख पाते हैं। थैंक यू हम सबको बताने के लिए कि जब वैसे लाइफ लीड करो तो फैमिली के फर्स्ट बनने का मौका मिलता है। तो आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट अचीवर अभिषेक किंगर जी की तरफ। अभिषेक जी आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मायसेल्फ सुमन किंगर, एंड मतलब इतना अच्छा फील हो रहा है आज कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आज बोलने का मौका मिला है, रियली बहुत अच्छा लग रहा है। एंड एक चीज कहना चाहूंगी, अगर मोदी केयर समझ आ रहा है तब भी कर लो, नहीं समझ आ रहा तब भी कर लो। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू अभिषेक जी। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, थैंक यू मोदी केयर एंड थैंक्स टू निशांत सर, आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें मौका मिला है। फ्रेंड्स मोदी केयर में आने से पहले मेरा शूज का बिजनेस था,
और किसी वजह से मेरे को बिजनेस फाइंड अप करना ही था, तो कुछ नया सर्च करना था और मोटिवेशनल वीडियो सुनने का, मोटिवेशनल कुछ ऐसी बुक्स पढ़ने का शौक ना पहले से ही था। तो एक बार एक मोटिवेशनल वीडियो सुनी और उसमें स्पीकर ने कहा था कि आपको जैसी लाइफ चाहिए ना, आप उसको लिखिए, राइट डाउन करिए। तो मेरे को याद है मैंने लिखा था कि मेरे को जिमिंग के लिए भी टाइम चाहिए, मेरे को सोशल सर्विस के लिए भी टाइम चाहिए, मेरे को मेडिटेशन वगैरह कर पाऊँ उसके लिए भी टाइम चाहिए, मेरे को अच्छा खासा पैसा चाहिए, और सबसे बड़ी बात मैंने वहां पे एक चीज लिखी थी कि अगर मैं 10 दिन के लिए अपना फोन स्विच ऑफ कर दूं तो मेरे बिजनेस पे इफेक्ट ना हो। और उसके बाद मैंने एक और चीज लिखी थी कि मेरी वजह से मैं एक जरिया बनूं जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सके। फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल बिजनेस में ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, जब किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। ऐसा ही हुआ, मेरे को किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, उसकी कंपनी मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन लेटर मार्केटिंग के बारे जब मैंने गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, तो मैंने 2 महीने सर्च करने के बाद ये कंक्लूजन निकाला कि मोदी के वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं। मैंने खुद से मोदी के चूज किया और मोदी के जो लोग कर रहे हैं उनके पास गया, मैं अपनी ग्रेट अपलाइन विकास जी के पास गया कि मैंने मोदी केयर करना है, आप मेरे को बताइए। और फ्रेंड्स, विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद द सपोर्ट ऑफ ऑल अप्लाइंस, हमने धूम भी क्वालिफाई किया है, लास्ट ईयर हमने मलेशिया भी क्वालिफाई किया था, और इस 13 अगस्त को अपने बर्थडे पे मैं अपने सपनों की कार लेने जा रहा हूँ। एंड दिल से सल्यूट करता हूँ मैं समीर जी को जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया। आई विश कि आप सभी जो इस ट्रैक पे हैं उन सभी के सपने पूरे हों। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद। थैंक यू अभिषेक सर, थैंक यू मैम इतने इनक्रेडिबल टेस्टिमोनियल के लिए। फ्रेंड्स, टाइम और पैसे की कॉकटेल वाली लाइफ जीना ना बहुत मुश्किल है। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर दोनों मिल पाए, जहां पर वो फ्रीडम के साथ जी पाए, एंड अभिषेक जी वही चाहते थे लाइफ से, एंड थैंक गॉड मोदी केयर उनको मिला, उन्होंने चूज करा, एंड आज के तारीख में इन दोनों चीजों को साथ में जी पा रहे हैं, एंड मोर सक्सेस टू यू सर। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बहुत 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 थोड़ी सी मोदी केयर की सक्सेस स्टोरीज। हर कोई अपने आप में यूनिक, हर कोई अपने आप में इनक्रेडिबल, एंड हर एक आपकी कहानी बनने की पावर रखने वाली। जैसे मैम ने बोला, मोदी केयर समझ में आए तो कर लो, नहीं समझ में आए तो भी कर लो, कि उसका बहुत सिंपल सा कारण है कि जो मेरी मदर जो आज की तारीख में 1.25 करोड़ रुपए महीना इस बिजनेस से कमाती है ना, पहली बार जब उन्होंने सुना था ना, गारंटी देके बोलता हूँ, उनको भी पूरा समझ में नहीं आया था। जाना था बस ये कि अगर कोई और सक्सेसफुल हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं, और कोई और इस दुनिया में लोग हैं जो अपने सपने पूरे कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि इफ नॉट मी देन हु, अगर मैं अपने सपनों पे नहीं काम करूंगा तो कौन करेगा। इफ नॉट मोदी केयर देन व्हाट। मोदी केयर जैसी अपॉर्चुनिटी जो है वो और कहां मिलेगी, कि पैसिव इनकम क्रिएट करने का मौका देता है, बिना इन्वेस्टमेंट चालू करने का मौका देता है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतनी सारी सक्सेस की कहानियां हैं। इफ नॉट मोदी केयर देन व्हाट, एंड उससे भी बड़ी बात, इफ नॉट नाउ देन व्हेन। अगर आज से शुरुआत नहीं करिए, अभी उस पानी में डुबकी नहीं मारी तो कब करेंगे। तो ask yourself this, उसका जवाब ढूंढिए, बताइए कि आप अपने सपने के ऊपर काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, मोदी केयर के अलावा क्या करेगा, क्या करेंगे तो करेंगे, और अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अपने सपनों पे बने रहिए, अपने सपनों के साथ चलिए, इस लीप प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए। जितनी एजुकेशन, जितनी लर्निंग एक नेटवर्क मार्केटिंग में चाहिए होती है, SPBM प्लेटफॉर्म है, आपके अप्लायंस है, आपकी GBD अप्लायंस है, ये लीप प्लेटफॉर्म है जो जूम और फेसबुक पे रहता है, इसको ज्वाइन करिए, अपने आप को काबिल बनाइए। कल इसी समय इसी टाइम 6:30 बजे जो है वो लीप प्लेटफॉर्म पे LDP है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और सुबह आज की तारीख में 11 से 12 एक बहुत स्पेशल और बहुत अद्भुत सेशन हमारे ग्रेट लीडर अनिल गौड़े जी की तरफ से 21 डेज कमांडो ट्रेनिंग चल रही है, उसका पार्ट बनिए। अपने आप को काबिल बनाइए, सपने देखते जाइए, अपने आप को काबिल बनाते जाइए, और मोदी केयर के प्लेटफॉर्म के साथ उसको पूरे करते जाइए। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट।